हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका 10 पीटी वेरिएंस की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2020 में पूछे गए थे, आज मैं वो सारे क्वेश्चंस यहां डिस्कस करने वाला हूं वन बाय वन और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, फुल कंसेप्ट के साथ में मैं आपको हर क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या अपकमिंग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में नहीं देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन वन से। स्क्रीन पे आपका एक क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है आपका होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन। सबसे पहले जानेंगे होल नंबर्स के बारे में, तो मैं आपको होल नंबर का बता दूं। होल नंबर वो नंबर होता है जिसमें कि जो कि नेचुरल नंबर के अंदर, आप सभी जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर सभी जानते हैं। अगर नेचुरल नंबर के अंदर आप जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, किसको करते हैं, जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आपका होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, वो आपका होल नंबर बन जाता है। या मैं कहूं कि जीरो के साथ में अगर नेचुरल नंबर लेंगे तो वो क्या होगा, आपका होल नंबर होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन में ये आ रहा होगा कि सर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो मैं बता दूं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके अंदर अगर मैंने जीरो को इंक्लूड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, आपका होल नंबर बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, होल नंबर जानते हैं। ये तो बात हो गई मेरे होल नंबर्स की हो गई, जिनको नहीं पता मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन। अब ऑपरेशन की बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन यहाँ पे किसके बारे में बोल रहा है ऑपरेशन। तो देखिए ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, चार तरह के हम ऑपरेशन को इसमें देखते हैं। अब इसका मतलब क्या कह रहा है सर ये, कि होल नंबर आर क्लोज अंडर विच ऑपरेशन, ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसके अंदर अगर मैं दो होल नंबर्स का आपस में एडिशन करूं तो क्या मुझे होल नंबर मिलेगा, सब्सट्रैक्शन करने पर मुझे होल नंबर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वो ओपन हो जाएगा, अगर मिल जाएगा तो वो कौन सा होगा, क्लोज्ड हो जाएगा, मतलब नजदीक रहेगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको, कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल लिया टू होल नंबर्स को लेता हूं मैं, किसको ले रहा हूं, दो होल नंबर को कंसीडर किया मैंने, लिया टू लिया एंड फाइव लिया, टू लिया मैंने एंड फाइव लिया। अब ध्यान से देखेंगे यहां पर, सबसे पहले मैंने क्या देख रहा हूं, एक एडिशन का ऑपरेशन कंसीडर कर रहा हूं, एक सब्सट्रैक्शन का ले रहा हूं मैं यहां पर, और फिर लेंगे आप मल्टीप्लाई का लेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई का देखते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर हम डिवीजन का देखेंगे, किसका देखेंगे हम लोग, डिवीजन का देखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर जैसे एडिशन में मैं गया और मैंने अगर इन दो नंबर्स को जोड़ता हूं तो क्या मुझे, जैसे मैंने इनको जोड़ा 2 + 5 किया तो मुझे कितना मिला, 7 मिला। अगर मैंने दो होल नंबर्स को जोड़ा तो मुझे क्या मिला, होल नंबर मिल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। मतलब ये ऑप्शन कैसा होगा, क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट देखते हैं सब्सट्रैक्शन देखते हैं हम। अब इसमें देखिए क्या होता है, सपोज करिए मैंने 2 और -5 ले लिया, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन जब करेंगे तो जो क्लोज ऑपरेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। मल्टीप्लाई की बात करते हैं, अगर मैंने कोई दो होल नंबर लिए हुए हैं, 2 और 3 लिया हुआ, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 6 आया, 2 × 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब मैंने अगर टू होल नंबर का मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन जो होल नंबर है। अब डिविजन की बात करते हैं, तो डिविजन देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर मैं 4 में 2 का डिवाइड कर देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे 2 मिलेगा, मतलब होल नंबर आ गया। लेकिन अगर मैंने 5 में 2 का डिवाइड कर दिया तो मुझे कितना मिलेगा, तो आपको मालूम है कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, जो कि क्या डेसिमल नंबर शो कर रहा है, ये होल नंबर नहीं है। तो डिवीजन मेथड भी मेरा हुआ क्लोज नंबर में नहीं आएगा, क्लोज ऑपरेशन में कंसिडर नहीं करूंगा। तो आपने देखा सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही ऐसा ऑपरेशन है जो होल नंबर को क्या करता है, क्लोज दिस ऑपरेशन में देता है। तो देखिए कौन कौन से ऑपरेशन हो गए, सब्सट्रैक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, डिवीजन में नहीं आता है, मल्टीप्लीकेशन आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस तो है ही रॉन्ग। समझ में आ गया, इतना ध्यान रखिएगा, अगर मैं कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, दो होल नंबर के बीच में परफॉर्म कराता हूं तो मुझे होल नंबर किन किन में मिलेगा, वो मैंने यहां डिस्कस सारा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपका, जो ये प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है,
द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज, क्या बोल रहा है ये, सक्सेसर की बात करें। आइए पहले जान लेते हैं कि सक्सेसर होता क्या है, ध्यान देंगे इसमें जो बताने वाला हूं। अगर किसी नंबर नंबर है कोई, आपको सपोज करिए एक 5 नंबर दे रखा, फॉर एग्जांपल देखते हैं यहां पे आपका 5 नंबर दे रखा है, अगर 5 में मैं 1 ऐड कर देता हूं, कितना करता हूं इसके अंदर मैंने 1 ऐड किया, कितना किया 1 ऐड किया, तो मुझे क्या मिला 6 मिला, तो 6 क्या हो जाएगा 5 का सक्सेसर हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा 5 का सक्सेसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर, अब सपोज इसके अंदर मैंने 1 ऐड किया तो क्या मिला मुझे, प्लस 1 मिला, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब अगर मैं किसी नेचुरल नंबर में या होल नंबर के अंदर 1 को ऐड कर दूं तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा इस वाले केस के लिए, इस वाले केस में क्या कहूंगा, जो मेरा 7 है वो क्या हो जाएगा 6 का सक्सेसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 का सक्सेसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सक्सेसर की बात है तो प्रेडिसर भी जान लेते हैं, प्रेडिसर क्या होता है। अगर कोई नंबर दे रखा है 5 नंबर दे रखा है, 5 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो 1 माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा हमेशा 4 मिलेगा। अब ये क्या है 4 मेरा क्या हो जाएगा प्रेडिसर हो जाएगा, प्रेडिसर हो जाएगा किसका हो जाएगा मेरा, ये 5 का प्रेडिसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देख लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर 1 माइनस करेंगे तो मुझे इसका प्रेडिसर मिलेगा, अगर मैं किसी नंबर में 1 को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सक्सेसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है 1 मिलियन की बात कर रहा है। 1 मिलियन क्या होता है आपका, कैसे लिखा जाता है आप देखेंगे जरा, 1 मिलियन कैसे लिखा जाता है आपका 1000 फिर 000, ये क्या हो जाएगा आपका 1 मिलियन हो जाएगा। अब आपसे बोला जाता है कि 1 मिलियन का सक्सेसर बताइए, क्या बताइए 1 मिलियन का सक्सेसर बताइए, तो क्या होगा इसके अंदर मैं क्या करूंगा प्लस 1 ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैंने प्लस 1 ऐड किया तो देखिए क्या आ रहा है 1000000 और 1 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 मिलियन का सक्सेसर हो जाएगा। अब इसको देखेंगे ध्यान से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 और 5 बार 0 है, 0 जरूर काउंट कर लीजिएगा, कहीं ऐसा हो जल्दबाजी में आपने देखा हो तो टिक मार कोई भी चलेगा, ऐसा नहीं करना है। 1 मिलियन का सक्सेसर 2 मिलियन नहीं होता, मैंने क्या बताया उसके अंदर 1 ऐड करोगे तब निकल के आएगा सक्सेसर, बहुत लोगों दिमाग में चलता रहता है कि 1 मिलियन के बाद 2 मिलियन आ जाएगा, 1 मिलियन जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता माय डियर, कितना जोड़ना है आपको 1 जोड़ना है। जैसे आपने 1 जोड़ा तो क्या मिला आपको 1 और 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 और 1 आया, आप मेरा कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां हमने बड़े आसानी से क्वेश्चन का आंसर देख लिया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा, द टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बिटवीन विच द फ्रैक्शन 5/7 लाइज आर, क्या बोला हुआ है हमें दो ऐसे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बताने हैं जिसके बीच में 5/7 क्या कर रहा होगा लाइज कर रहा होगा, मतलब उन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए 5/7। सबसे पहले जानते हैं 5/7, आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, आपने फ्रैक्शन पढ़ा है ना, तो मेरा जो 5 लिखा हुआ है 5/7 वो किस फॉर्म में लिखा हुआ, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुत लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 5 क्या है मेरा कोई नंबर है जो आउट ऑफ कितना दे रखा है 7 दे रखा है, मैं रिपीट कर रहा हूं वंस अगेन कि मैंने क्या बोला जो मेरा 5 है वो क्या है आउट ऑफ 7 दे रखा, मतलब मेरे टोटल जो होगा वो 7 होगा, उसके अंदर कितना नंबर में आ रहा है 5 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर, सपोज करिए आपको एक क्या दे रखा है ये बॉक्स दे रखे हैं सारे के सारे, क्या दे रखे हैं बॉक्स दे रखे हैं, इसमें मैं वाई फाई कट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और एक क्या हो गया आपका 7 हो गया। अब मैंने क्या किया इसके अंदर कुछ शेडेड पोर्शन भी रहा होगा, कुछ शेडेड पोर्शन देख लेते हैं, ये किए रहा ये सारे क्या है मेरे शेडेड पोर्शन दे रखे हैं, ठीक है माय डियर, ये सारे क्या है आपके शेडेड पोर्शन है। अब बॉक्स कितने रखे हैं, बॉक्स कितने रखे हैं आपको ध्यान देंगे ऊपर कितने दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7। अब आपसे बोला जाता है कि बताइएगा कि इसमें शेडेड पोर्शन कितना है, तो आप क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, अगर आप बोलोगे 5 शेडेड पोर्शन है, लेकिन नहीं ये कंप्लीट हमारा स्टेटमेंट नहीं है, हमें क्या बोलना होगा जो शेडेड पोर्शन कितना दे रखा है 5 और आउट ऑफ 7 कितने में से 7 में से, ये मेरा क्या हो जाएगा शेडेड पोर्शन हो जाएगा जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या हो जाएगा मेरा ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यही आपका क्या करता है फ्रैक्शन डिफाइन करता है, क्या करता है फ्रैक्शन डिफाइन करता है 5/7, उसी के बारे में यह बात कर रहा है। ये आपको सिर्फ हिंट देने के लिए था, बताने के लिए कि 5/7 क्या होता है।
अब क्वेश्चन चलते हैं, द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर बिटवीन व्हिच द फ्रैक्शन 5/7 लाइज आर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि 5/7 हमें इसको वैल्यूज तो नहीं मालूम है एग्जैक्टली, तो हम क्या करेंगे इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, 5/7 इसको मैंने क्या किया, 7 का डिवाइड किया 5 के अंदर। जैसे मैंने डिवाइड किया तो देखा क्या आया, पॉइंट लगा, 0 आया मेरा। 7 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49। तो कितना आया इसके अंदर, 1 बचा। मैंने क्या 0 लगाया तो कितना आ जाएगा, 7 बन जा 7। फिर कितना बचा इसमें, 3 बचा। फिर 0 लगाया मैंने तो कितना आ गया इसका, इसका आ जाएगा 7 4 जा 28, 2 कैरी। तो इस तरह से चलता रहेगा इसका एंड सो ऑन। तो मैंने क्या, कितना नंबर आया मेरा 5/7 की जो वैल्यू आई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5/7 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, 0.714 आया। कितना आ रहा है, 0.714 इसका वैल्यू आ गई। अब आपको नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैंने रफ कर दिया, वैल्यू मेरी निकल के आ गई है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, अब मैंने क्या किया इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नंबर लाइन देखी होगी आपने, कुछ नंबर लाइन होती है आपकी, इस पॉइंट पे कौन सा होता है आपका, 0 होता है। इधर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ मैंने देखा तो क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ कितना हो जाएगा, -1 -2 और -3, कितना हो जाएगा, -3 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ देखा कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है, 0.714 आ रहा है। तो मैंने क्या देखा, 0 से 1 के बीच में देखा, क्योंकि 0.7 क्या है, 1 तो है नहीं कंप्लीट, तो 1 से पहले आएगा। तो यहाँ कहा, यहाँ लाई कर रहा होगा मेरा, कितना कर रहेगा, 0.714 लमसम यह वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू दे रखी है, 5/7 की वैल्यू दे रखी है, जो लाई कर रही मेरी, हाँ इस वाले पॉइंट पर लाई कर रही है। अब देखिए ये पॉइंट जो लाई कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, 0 और 1 के बीच में, कहाँ पर है, 0 और 1 के बीच में दे रखा है। तो मेरा ऑप्शन चेक करेंगे कितना हो जाएगा, 0 से 1, तो मेरा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे 0.714 आएगा, और उसको मैं नंबर लाइन पर चेक कर लूंगा, तो मुझे मालूम पड़ा 0 1 के बीच में ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब इसमें से आपको फाइंड करना है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है इसके अंदर। मैं बता दूं आपको क्या पूछ रहा है वो, इसके अंदर पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है इसके अंदर चारों में से। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों फ्रैक्शंस को आपको लिख लेना है। क्या किया आपने, लिख लिया यहाँ पे, कितना लिखा, 4/5। दूसरा कौन दे रखा है आपको, 5/3 दे रखा है, 5/3 दे रखा है। और क्या दे रखा है आपको, 5/6 दे रखा है। और क्या दे रखा है आपको, 5/2 दे रखा है। चार फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको, और आपसे बोला गया इसमें से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर सेम होता, ऊपर न्यूमरेटर में कोई वैल्यू होती, तो मैं आराम से इसको पता कर सकता था। जो बड़ी मेरा न्यूमरेटर होता वो बड़ा फ्रैक्शन होता, और जो छोटा न्यूमरेटर होता उसके लिए छोटा फ्रैक्शन होता। शर्त यह थी, शर्त ये थी कि डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर न्यूमरेटर मेरा सेम होता और डिनोमिनेटर मेरा चेंज होता रहता, तो मैं क्या करता, ज्यादा जिसका डिनोमिनेटर होगा वो उतनी छोटी फ्रैक्शन होगा, और जितना कम डिनोमिनेटर होगा वो मेरा ज्यादा फ्रैक्शन की वैल्यू दे रहा होगा। देखिए मैं देखता हूं आपको, फॉर एग्जांपल के रूप में देखिएगा, यहां से अगर मैंने बोला कि 1/2 बोला मैंने आपसे, क्या बोला, 1/2 बोला मैंने, 2 का 1 में डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 0.5 आ गया। आर यू गॉट माय पॉइंट। अब देखिए मैंने 2 को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, कितना किया मैंने, 3 कर दिया। अब 3 को मैंने देखा इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, जैसे डिवाइड करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.33 इसकी वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, 0.33 इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए जैसे ही मेरा डिनोमिनेटर बढ़ा, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ा तो वैल्यू क्या करके घट गई, और जब मेरा डिनोमिनेटर कम था तो मेरी वैल्यू बढ़ी हुई थी। तो मैंने इसलिए बोला था अगर न्यूमरेटर सेम होता है आपका, तो ज्यादा अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी तो फ्रैक्शन का वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये तो सिंपल था बताने का, अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, ना तो इसमें न्यूमरेटर सेम दे रखा और ना ही इसमें डिनोमिनेटर सेम दे रखा, तब क्या करना होगा, बड़ा दिमाग कंफ्यूज। तो क्या करना है उसके लिए, जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसे क्या निकालना है आपको, एलसीएम फाइंड कर लेना है। क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसे क्या करेंगे आप लोग, पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका निकालेंगे, आप नंबर देखिएगा, 5
3, 6, 2 का। यहाँ क्या करना है, इसका एलसीएम आपको फाइंड कर लेना। जैसे आपने एलसीएम फाइंड किया तो देखिए क्या आएगा, जैसे देखिएगा 2 से मैंने किया तो 5 तो जाएगा नहीं, 3 जाएगा नहीं, 6 कितने 3 बार जाएगा, 2 मेरा 1 बार जाएगा। अब मैंने 3 को किया तो 3 कितने बार जाएगा, 5, 1, 1 और 1, और मैंने 5 किया तो कितना गया ये वाला मेरा, 1, 1, 1 और 1। यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 5, तो कितना एलसीएम आया इसका, 30 एलसीएम आ गया। कितना आ गया, 30 एलसीएम इसका आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, 30 एलसीएम आया ना आपको, 30 को क्या करना है आपको, यहां पे पुट कर देना है। कहां रखना है आपको, यहां रख देना है। जैसे ही आपने 30 पुट किया, अब क्या करना है आपको, जो डिनोमिनेटर है उससे इसको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से क्या करना, डिवाइड करना है, और इसका जो डिवाइड को आएगा उसका मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 से कर देना। देखते जाइएगा, 5 का डिवाइड किया 30, 5 6 जा 30, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में तो कितना आ गया, 24 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया 30 के अंदर तो कितना हो गया, 3 का किया 10 टाइम्स गया, और 10 5 जा 50 हो गया। अब 6 का देखते हैं, 6 का देखा मैंने तो कितना हो जाएगा, 6 का 30 कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स आएगा, और 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 2 का 30 कितनी बार जाएगा, 15 टाइम्स आएगा, और 15 का करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। तो मैं जैसे देख रहा हूं इसके अंदर क्या देख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि मेरा 24 सबसे कम है, और मुझसे क्या बोला गया है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कितना रहेगा, 24 दे रखा है। अब ये 24 कहां से आया, इस वाले फ्रैक्शन से आया, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां से मैंने इजी वे में फाइंड कर लिया, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है माय डियर, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम्स को, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 6 and 864 रेस्पेक्टिवली। मतलब मुझे HCF की वैल्यू दे रखी है और LCM की वैल्यू दे रखी है। इफ वन नंबर इज 96, एक नंबर क्या बोला हुआ उसने, 96 बोला हुआ है, तो फाइंड द अदर नंबर, दूसरा हमें नंबर निकालना है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आता जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि किस फॉर्मूले से निकलता है और वो फॉर्मूला आता कहां से, देखते हैं ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देखेंगे आप, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, और सपोज करिए मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी बड़े साहब ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2 and 3 ले लिया मैंने। अब 2 and 3 का मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है क्या इसका, HCF और LCM। HCF निकालेंगे कितना होता है इसका, और LCM फाइंड करेंगे। ठीक है, कितना होता है, उससे पहले क्या करते हैं इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर क्या होगा, 2 का फैक्टर कितना होगा, 3 का फैक्टर कितना होगा, अब ध्यान देंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां आपको बताया, क्या बताया, 2 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैंने इन दोनों के फैक्टर किए तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर आ रहा है कॉमन फैक्टर 1, 1 यहां भी कॉमन है और 1 यहां भी कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। और वैसे भी आपको मालूम है अगर 2 प्राइम नंबर दे रखे हो तो उनका HCF कितना होता है, 1 होता है। LCM फाइंड करें, LCM कैसे निकलेगा इसका, आपस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और जो निकल के आएगा ऐसा मल्टीपल जिसमें कि इन दोनों नंबर का कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा हो। तो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 2 × 3, तो कितना हो गया ये वाला, 6 होगा। 6 मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, और मेरा 1 क्या हो जाएगा, मेरा HCF हो जाएगा। अब ध्यान से और चीज देखते हैं। ठीक है, अब जो बताने वाला हूं उसे गौर करेंगे, HCF कितना आ गया, 1 आ गया, और LCM कितना आ गया, 6 आ गया। मैंने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, HCF का मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने, LCM से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास 2 नंबर दे रखे हैं, 1 और 2 नंबर दे रखे हैं, तो देखिए मैंने क्या किया, इसको माना 1 नंबर मान लिया, इसको मैंने, इसको 1 मान लिया, इसको मैंने सेकंड नंबर मान लिया, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लिखा। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब क्या करना है, HCF की वैल्यू कितनी रखी, 1 दे रखी है, जस्ट चेक करते हैं कि फॉर्मूला सही है गलत, तो क्या होता हो जाएगा ये वाला, LCM कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1 नंबर कितना दे रखा है मेरा, 2 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है मेरा, 3 दे रखा है, दोनों को मैंने किया, यहाँ पे 6 का जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 6 आ जाएगा,
दोनों साइड्स बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ये जो फॉर्मूला था वो क्या था, यही फॉर्मूला बनेगा, द प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। मैं रिपीट कर रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन से, ये वाले, समझ में आया। अब ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं इसको रफ कर देता हूं, अब देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां तक आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। अब एच सी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एच सी एफ दे रखा है सिक्स दे रखा है, कितने दे रखा है सिक्स। एल सी एम कितने दे रखा है, एट सिक्स फोर, कितने दे रखा है एट सिक्स फोर। वन नंबर बात करें तो कितना दे रखा है आपको, 96 दे रखा है, और टू नंबर आपको निकालना, तो कैसे निकाल, 96 का इसमें करके डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 864 अपॉन 96। सिक्स का मैंने इससे काट दिया, कितनी बार गया ये, कितनी बार जाएगा, अरे शांत होगा सबके साथ, 16 टाइम्स आएगा, और 16 का करना है इसमें डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड देखेंगे जरा ध्यान से, 16 का डिवाइड किया मैंने किसके अंदर, 864 में डिवाइड करके देखा तो कितना आ रहा है मेरा, मैंने किया यहाँ पे, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना बचा 6 और 4, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, तो कितनी बार हो गया 64, कैंसिल आउट, कितनी बार गया 54 टाइम्स, तो सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, सेकंड की वैल्यू मेरी यहाँ से आ गई कितनी 54, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चेक करेंगे आंसर क्या सही निकल रहा है हमारा, क्या सही निकला हुआ आंसर, तो चेक करेंगे कितना आ रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा फिर कुछ भी नहीं है, ये तो खाली मुझे समझाने के लिए करना पड़ा, बाकी तो सारी कैलकुलेशन आपकी यही थी और यही आपका आंसर निकला विद इन अ फ्रैक्चर चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब देखिए प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी एचसीएफ और एलसीएम से रिलेट करती है। क्या प्रॉब्लम है, द एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर। क्या दे रखा है इसके अंदर, दो नंबर दे रखे, दो नंबर का एच सी एफ भी गिवन है और दो नंबर का डिफरेंस भी दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं, सटीक अप्रोच देखेंगे और बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए मैंने बोला दो नंबर बोले, मैंने एक तो मैंने बोला वन नंबर ले लिया, मैंने दूसरा क्या लिया सेकेंड नंबर ले लिया। अब उसने बोला इन दोनों नंबरों के बीच में क्या दे रखा है, इन दोनों नंबरों का एच सी एफ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एच सी एफ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 12 दे रखा है, क्या दे रखा है 12 दे रखा है। अब 12 मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब साथ में क्या दे रखा है, साथ में और गिवन क्या है, और गिवन दे रखा है इसके अंदर डिफरेंस दे रखा है, तो मैंने यहां चेक किया दोनों के डिफरेंस कितना दे रखा है, अगर डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग तो कितना दे रखा है इसमें 12 दे रखा है। अब मैं दो चीज मालूम है, दो नंबर के डिफरेंस भी मुझे मालूम है और एच सी एफ भी मालूम है मुझे, ठीक है, लेकिन ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करेंगे और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले और हम 12 का देखते हैं। ऐसे मैंने क्या बोला, 12 क्या है मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसका डिवाइड इन दोनों नंबर से कंप्लीटली चला जाएगा। जैसे मैंने 12 का डिवाइड करने की कोशिश की तो देखिए 84 में भी डिवाइड हो जाएगा और 96 में भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और नंबर चेक करते हैं, इसमें डिवाइड किया तो 66 में डिवाइड नहीं जाएगा, 66 में डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 12 के टेबल में 66 नहीं आता है। 70 में देखेंगे तो इसमें भी क्या है, 12 के टेबल 70 नहीं आता, ये ऑप्शन भी नहीं है। 62 12 के टेबल में नहीं आता है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो तीसरा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके जो हमने बताया था उसका पहले जजमेंट और कर लेते, चेक कर लेते क्या सही है ऑप्शन। तो देखिए ध्यान से कितना रखा है, एक 84 दे रखा और एक 96 दे रखा है, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस मेरा 12 है ये भी चेक करना है। तो देखिए क्या होगा, 96 माइनस किया मैंने 84 से तो कितना आ गया आपका 2 और 1 12 आ गया। हाँ मेरा ये ऑप्शन करेक्ट है, ये इसके दोनों के नंबरों के लिए 12 का डिफरेंस भी है और ये 12 से दोनों कंप्लीट डिविजिबल भी है, ठीक है मैडम। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 9 12 एंड 15। क्या बोला हुआ है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है,
कैसा फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है हमें। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब अगर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है आपका, लीस्ट काउंट मल्टीपल होता है। क्या होता है, लीस्ट काउंट मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट काउंट मल्टीपल होता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 9, 12 एंड 15। अब इनका क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा आपका, 9, 12 और 15। इसका क्या करते हैं आप लोग, डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे कैसे करेंगे सॉल्व इसको, 3 से किया तो कितने गया, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15। इसके आगे बहुत से बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है अपना, सॉल्व नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या ये तीनों नंबर आपस में रिलेटिव प्राइम नंबर है, क्योंकि ऐसे कोई नंबर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है जो 2 में 4 में डिवाइड हो जाए और 5 में डिवाइड हो जाए, नहीं है ना। तो ये तीनों क्या नंबर आपस में रिलेटिव प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब इसके आगे आपको कोई प्रोसेसर नहीं करना है, सिर्फ यहीं से कंसिडर करना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने 3 लिया फैक्टर इसका, फिर मैंने ये वाला 3 लिया, ये 4 लिया मैंने, और मैंने क्या लिया, ये 5 ले लिया, बस। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 3 का करेंगे फिर लाइन खींचेंगे, 1 लिखा, 4, 5, फिर 4 का क्या, 5, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्या ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको आंसर निकालना है बहुत जल्दी। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3, 3 जा 9, 5, 4 जा 20, और मैंने मल्टीप्लाई किया तो 9, 2 जा 18, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर दे रखा है, ठीक है। आप इस तरह से जल्दी निकाल सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं, अब जैसे कि द स्पीडी ब्रेन से आप पढ़ रहे हैं, तो द स्पीडी ब्रेन से पढ़ रहे तो कुछ तो स्पीडी होनी चाहिए ना सर, ये तो हमें मालूम ही था, तो क्या ऐसा प्रोसीजर है बताइए मुझे। तो देखिए स्पीडी ब्रेन में क्या मिल सकता है आपको, मैंने क्या बताया कि द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर देखना है जो इन नंबर से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। तो चेक करते हैं, 9 ऊपर तीनों नंबर से होना चाहिए, किससे होना चाहिए, 9 से होना चाहिए, 12 से होना चाहिए और 15 से होना चाहिए। अब ऐसा इनमें से कौन सा नंबर है जिसमें कि 9, 12, 15 का कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चों, यहां 60 देखा मैंने, 60 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं लेंगे, कंसिडर करेंगे। अब मैंने 90 देखा, तो 90 12 के टेबल में 90 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैं 120 देखा, 120 आपका 9 के टेबल में 120 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब 180 आपका 9 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने ऑप्शन चेक किया और आंसर आपका निकाल दिया, ठीक है। माइटी द स्पीडी ब्रेन पे इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको, ताकि आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ठीक है माइटी। चलते हैं फिर नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट को अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सोप पाउडर इज सोल्ड एट 15 रुपीज पर पैकेट, इट कॉस्ट 144 अ डजन, व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंट ऑन 8 डजन पैकेट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वैल्यूज चेक करना है, कि वैल्यूज कौन सी दे रखी है आपको, ये 8 डजन में दे रखी है, मतलब आपको डजन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि सोप पाउडर का कितना सोल्ड कर रहा है वो, 15 पर पैकेट सोल्ड कर रहा है। उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, आपसे पूछा गया क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा गया है। क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा गया है। अब देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे इसको, आपको मालूम है सीपी क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और एसपी क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अगर प्रॉफिट कब निकलता है आपका, प्रॉफिट तब निकलता है जब मैं बोलूं कि सेलिंग प्राइस कैसा हो आपका, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। तो मैंने बोला सेलिंग प्राइस से क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, तो कितना आएगा, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, तो ये मेरा क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा आपका, कि प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट अपॉन कितना आ जाएगा आपका सीपी पे, किस पे निकालेंगे हम लोग, सीपी पे निकाल, ऑलवेज सीपी कॉस्ट प्राइस पे हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, अपॉन इनटू 100 हो जाएगा। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, और देखेंगे, और का मतलब मैं आपको इसको एक फॉर्म में लिख सकता हूँ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा इनटू 100। अब ये छोटा सा डिस्कशन था जो मैंने निकाला था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का, यहाँ से क्या आपका फॉर्मूला जनरेट हुआ। अब इस फॉर्मूले का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, इस फॉर्मूले का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स।
अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। उससे पहले आके देखते हैं क्या बोल रहा है वो। अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सोप पाउडर इज सोल्ड एट 15 रुपीज पर पैकेट। अगर हम बात करते हैं तो कितना बोला वो, एक पैकेट का कितना बोला हुआ उन्होंने, एक पैकेट का जो बोला हुआ है वो है आपका 15 रुपीज दे रखा है। कितना दे रखा है, 15 रुपीज दे रखा है। अब 15 रुपीज मतलब क्या कर रहा है वो, उसको सोल्ड कर रहा है। सोल्ड का मतलब मैं बात करूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ, मैं एसपी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसको पैकेट से मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है, डजन से मतलब है, डजन ऑफ पैकेट से। ये सिंगल पैकेट दे रखा है, यहाँ पे क्या है, 8 डजन पैकेट दे रखा है। तो हमें डजन में कन्वर्ट करना होगा, मतलब एक डजन में कितने होते हैं, 12 क्वांटिटी होती है। चाहे आप केला लेने जाते हैं या कुछ भी फल लेने जाते हैं, एक डजन केला दे दीजिए, मतलब कितने केले आते हैं उसमें, 12 केले आते हैं। पूछ लेती ना मम्मी कभी कभी, आप दुकान पे गए, आपको मालूम ही नहीं डजन का मतलब क्या है, तो आपने बोले एक डजन केले दे दो, उसने 11 केले दे दिए, तो आप गलत हो जाएगा ना। इसलिए आपको पता होना चाहिए एक डजन में कितना हो जाएगा, 12। तो कोई भी क्वांटिटी हो एक डजन में 12, 12, तो कितना होगा यहाँ पे, मैंने मल्टीप्लाई किया 12 का, 12 का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 12 पैकेट्स हो गए। और ये कितना होगा, 12 का मल्टीप्लाई जब मैंने यहाँ किया तो कितना आ गया, 12 15 कितना होता है हमारा, 180 रुपीज होता है, 180 रुपीज। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कैसे लिखूं, इसको मैंने कितना लिखूंगा, इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिखा कितना, 1 डजन, क्योंकि 12 का मतलब क्या होता है, 1 डजन होता है। अब 1 डजन की कॉस्ट कितनी, उतनी कॉस्ट होगी, रुपीज कितना हो गया इसका, 180 हो गया। ये तो मेरा हो गया, मैंने एसपी यहां से निकाल लिया एक डजन के बारे में। लेकिन उसने क्या बोला हुआ, 8 डजन की बात नहीं कर रहा, वो कितने की बात कर रहा है, 8 डजन की बात कर रहा। तो यहां से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर 8 का, तो कितना हो जाएगा, 8 डजन हो जाएगा। 8 डजन की क्वांटिटी कितनी होगी यहाँ पे, जब यहाँ 8 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। मतलब 8 डजन की क्वांटिटी कितना वैल्यू आ गई, 8 डजन आ गया मेरा, 1440 रुपए का आ गया। ठीक है, अब ऐसे मुझे क्या निकालना है, इट कॉस्ट, एक डजन की कॉस्ट कितनी रखी, 144 दे रखी है। मैं इसको रफ करता हूं, ध्यान से देखेंगे इसको, देखेंगे ध्यान से, उसमें क्या बोला हुआ है, ए 1 डजन, 1 डजन की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, 1 डजन की कॉस्ट दे रखी है 144 रुपीज। लेकिन हमें 1 डजन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें मतलब किससे है, 8 डजन से मतलब है। तो मैंने क्या किया, यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 8 डजन के बारे में बात कर रहा है, 8 डजन। और कितना हो गया वाला, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब मैं 8 से इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1152 रुपीज आ जाएगा। अब मेरा 8 डजन का ये क्या आया, ये मैंने जो निकाला वो क्या था, मेरा कॉस्ट प्राइस था, और ये मेरा क्या था, एसपी सेलिंग प्राइस था। तो मैंने दोनों की वैल्यू आ गई, 8 डजन की वैल्यू ये आ गई और 8 डजन की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना और आंसर निकाल देना है। आपको बताया था मैंने क्या, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा छोटा देख के, क्या निकाला था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या निकला था आपका, SP माइनस CP अपॉन CP × 100। ये वाला फॉर्मूला निकला था, इसी को मैंने क्या किया, इंप्लीमेंट करूंगा। तो ध्यान से देखेंगे जरा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है, एसपी कितना दे रखा है आपको, एसपी आपने निकाला हुआ है 1440 माइनस कितना निकाला हुआ है, 1152 अपॉन सीपी कितना दे रखा है, 1152 सीपी दे रखा है, इनटू कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, 1152 × 100 आ जाएगा। अब इसको इससे अगर आपने कटिंग किया, देखिए ध्यान से, अगर मैंने इसको इससे काटा तो कितनी बार जाएगा, ये 4 टाइम्स आएगा, और 4 का मैं डिवाइड करूंगा इसमें तो कितनी बार जाएगा, ये वाला 4 से गया 25 टाइम्स गया, तो कितना आ गया आपका, 25 आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी चलेंगे, कोई बात नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि किसमें पूछा गया, जैसे कि 8 डजन पूछा गया तो आपको ये याद रखना है, फिर देखना है कि आपकी सारी वैल्यू डजन में है कि नहीं, ये डजन में है लेकिन ये डजन में नहीं है, तो इसको पहले डजन में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद में क्या करना होगा, यहाँ पे 8 पूछा हुआ, यहाँ पे 1 डजन पूछा हुआ, तो उनको आपको 8 में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद में इसको सॉल्व करना होगा। फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया था थोड़ी देर पहले, तो वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया और याद करने के लिए, उसी मैंने वैल्यू को इंप्लीमेंट किया और मैंने क्या किया, आंसर यहाँ से निकाल दिया। ठीक है मैडिया, ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। Find the greatest number that will divide 37, 56 और 93 leaving remainder 1, 2 and 3 respectively. क्या बोला गया है कि हमें greatest number निकालना है। greatest number कब निकलेगा हमारा, आपको मालूम है greatest number के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑलवेज जब greatest number में निकालना हो तो हमें क्या find करना पड़ेगा, आप लिख लीजिएगा, ऑलवेज find करना होगा, मैं ऑलवेज
HCF को फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? HCF। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकलना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए एक बार। कितना बोला हुआ है, नंबर दे रखे है इसने, कितने नंबर दे रखे हैं? एक ने कहा 37 दे रखा है, 56 दे रखा है, और कितना दे रखा है इसने? 93 दे रखा है। इस क्वेश्चन का डायरेक्टली हम HCF निकाल लेते। कब निकालते? जब इसमें रिमाइंडर कितना होता? जीरो रिमाइंडर होता। लेकिन इसमें रिमाइंडर बोला हुआ है, कितना बोला हुआ है? 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। मतलब इसके अंदर 1 बचेगा, इसमें 2 बच रहा है और इसमें 3 बच रहा है। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले पहले मैंने उन नंबरों से ही इन नंबर को जो रिमाइंडर बचे हुए उनको हटा दिया है। तो देखिए मैंने क्या किया, जब रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको पहले माइनस कर दो। तो मैंने क्या किया, इसमें माइनस कर दिया। कितना कितना माइनस किया ध्यान देंगे आप। मैंने यहाँ पे कितना किया, 1 माइनस किया तो कितना आ गया? 36 आ गया। इसमें से मैंने 2 माइनस किया तो कितना आ गया? 54 आ गया। और इसमें से मैंने माइनस 3 किया तो कितना आ गया? ये 90 निकल के आ गया। कितना आ गया? 36, 54 और 90 आ गया। अब मेरे पास तीन नंबर आ गए और तीन नंबर का मुझे क्या निकालना है? LCM निकालना है। कितना निकालना है? 36, 54 और 90। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, सबसे पहले ध्यान समझेंगे। ध्यान से मुझे दो नंबरों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। मेरे इसमें से इसको माइनस कर तो कितना डिफरेंस आ गया मेरा? कितना आ गया डिफरेंस इसका? 18 आ गया। कितना आ गया? 18 डिफरेंस आ गया। क्योंकि 14 में 6 गया तो कितना बचता है? 8 बचेगा। 18 में डिफरेंस आ गया। अब क्या करना है आपको? अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 18 के फैक्टराइज करने हैं। अब 18 आपको कम मिलेगा तो देखें ध्यान से देखेंगे। 18 बन जाए 18। एक तो मुझे 18 कम मिला जब मैंने इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया। दूसरा कम मिला 9 2 18 और कम मिल सकता है, और मुझे मिलेगा 6 3 6 3 18। अब मुझे इन्हीं नंबरों से क्या मिल रहा है? 18 मिलने वाला है। अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ा नंबर चेक करते हैं, बड़ा नंबर कौन सा? 18 है। अब 18 को देखते हैं क्या इसमें भाग जाएगा। तो आपको मालूम है 18 2 18 3 कितना होता है? 18 2 36 मालूम है ना। 18 से इसमें भी डिवाइड जाएगा, 18 से इसमें भी डिवाइड जाएगा। मतलब मेरा क्या हो जाएगा? 18 मेरा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा। क्या जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा 18। अब आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी सर कि 9 से भी तो डिवाइड जा रहा था। हाँ, 9 से भी सब में डिवाइड जाएगा। तो 9 क्यों नहीं लिया हमने? 9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर तो सारे सारे, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी है और ये भी है, लेकिन हमें कौन सा निकालना है? हाईएस्ट वाला निकालना। तो कौन सा मिला आपका? 18। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है मैडियर, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। क्या बोला हुआ है कि 10 आदमी किसी काम, एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द सेम वर्क इन 5 डेज। 5 डेज का काम, अगर ये 5 दिन में काम खत्म करना हो तो हमें कितने आदमी लगेंगे इसके अंदर? ठीक है, अगर 4 दिन में काम कर रहे हैं तो 10 आदमी लग रहे हैं, तो 5 दिन में कितने आदमी लगेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सबसे पहले बात करता हूँ फॉर्मूले की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन किसका दे रखा है? ये क्वेश्चन आपका रिलेट करता है टाइम एंड वर्क से। किससे करता है? ये टाइम एंड वर्क से। अब टाइम एंड वर्क की ये प्रॉब्लम है तो कैसे होगा? आपको मालूम है एक फॉर्मूला, आपको मालूम है क्या होता है? MDH अपॉन वर्क। ये किसके लिए होता है आपका? 1 के लिए होता है। और ऐसे क्या हो जाएगा बराबर किसको होता है? MDHW। ये कितना? 2 के लिए हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे MDH तो आपको मालूम ही होता है। MDH क्या होता है? M का मसाले होते हैं, तो याद रख लीजिएगा MDH अपन W होता है क्या? M माने मैन, D माने डे, H माने आवर, W माने वर्क। ऐसे ये 1 के लिए हो गया, दूसरे के लिए क्या होता है? MDH/W। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे ऊपर देखना है। तो देखा मैंने एक काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहां से देखेंगे आप लोग तो देखिए ऊपर देख रहे हैं क्या डाटा गिवन जो दे रखा है। डाटा गिवन क्या दे रखा है वो देखते हैं। ठीक है, बड़े सिंपल वे में करेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आंसर सही निकालना है बस। तो कितना हो जाएगा? एम मैन की बात करते हैं हम लोग तो कितना दे रखा है? 10 मैन दे रखे हैं। और अगर मैं डेज की बात करूं, D1 की बात करूं, तो D1 कितना दे रखा है मेरा? 4 डेज दे रखा है। ठीक है, अब कितना दे रहा, अब कितना हो गया? बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है। अब क्योंकि M2 इसने पूछा हुआ है कि M2 आपको फाइंड करना है, और D2 इसने क्या कर रखा है? दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? 5 डेज दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 डेज दे रखा है। आप क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। कैसे करेंगे पुट? ध्यान से देखेंगे इधर मैंने क्या लिखा, देखिए M1 D1
ना तो आपको एच दे रखा है ना डब्ल्यू दे रखा है, तो आपने क्या एम वन डी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा एम टू डी टू हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या वैल्यू पुट किया तो एम वन कितना हो जाएगा मेरा टेन हो जाएगा, डी वन कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, एम टू मेरा कितना हो गया निकालना है मुझे और डी टू कितना है फाइव दे रखा है। अब यहां से क्या करना है आपको खाली वैल्यू को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया एम टू इक्वल टू लिखा कितना हो गया टेन इंटू फोर अपॉन फाइव, और फाइव का मैंने ऐसे क्या डिवाइड टू टाइम्स किया तो कितना निकल के आ गया मेरा एट निकल के आ गया, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है मैं डियर। तो हमने इस सिंपल वे में हमने क्या किया इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया। टाइम एंड वर्क से ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ मैकेनिक अर्न 36,000 ऑन 9 कार, क्या बोला हुआ है कि 9 कार के लिए एक मैकेनिक कितना अर्न करता है 36,000 करता है, चाहे मैकेनिक कौन सा रिपेयरिंग करने वाला होता है तो कार की रिपेयरिंग कर रहा था वो कितना कर रहा है 9 कार्स का 36,000 चार्ज कर रहा है। हाउ मच विल ही अर्न इन डे, अब वो एक दिन में कितना कमा लेगा, एक दिन में कितना कमाई हो जाएगी उसकी इफ इन अ डे ही रिसीव 27 कार्स, अगर वो एक दिन में 27 कार रिसीव कर रहा है। तो यहां से क्वेश्चन देखेंगे जरा क्या कह रहा क्वेश्चन को, उसने बोला हुआ है कि एक मैकेनिक है उसने 9 कार के लिए 9 कार पे वो कितना रुपए अर्न कर रहा है अर्न अर्न कितना कर रहा है वो अर्न कर रहा है रुपीज कितना 36,000 कितना कर रहा है 36,000 रुपीज को वो अर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसने बोला हुआ कि एक दिन में वो कितना कर रहा है एक दिन के अंदर वो एक दिन में वो वन डे में कितनी कार को वॉश कर रहा है या फिर ठीक कर रहा है रिपेयर कर रहा है तो कितना कर रहा है वो 27 कार को 27 कार को, और मुझे एक दिन का ही निकालना है, एक दिन का क्या निकालना है कितनी अर्न होगी ये मुझे फाइंड करना है। तो क्या करना होगा एक दिन में कितनी 27 कार कर रहा है मुझे 9 कार का मुझे मालूम है, तो अगर मैं इसको 27 बना दूं तो मेरी वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तो क्या करना सिंपल तरीका निकालना है, सिंपल में क्या करना है इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 27 कार निकल के आ गई 27 कार्स का आ गया, और जब मैंने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो 3 का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ करना पड़ेगा, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया तो कितना आ गया देखो 3 जीरो तो मेरी ये हो गई 3 6 18 1 कैरी 3 3 9 और कितना होगा 10 होगा, तो मेरा कितना आंसर आ गया 108,00 यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिर्फ लॉजिक वे में काम करना है आपको, पूरा पेज नहीं भरना है सिर्फ समझना है खाली, बस 9 कार्ड्स का निकालना था 3 का मल्टीप्लाई का 27 आ गया और मैंने इसका मल्टीप्लाई 3 से किया तो मुझे ये निकल के आ गया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं पहले 1 कार का निकालेंगे फिर उसमें 27 कार का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यूनिटरी मेथड में करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसको इजी वे में सॉल्व कर लिया, बहुत जल्दी से निकाल के दिखा दिया, ओके माय डियर। चलते फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम है अगली। अब देखिए क्वेश्चन ये रेशियो प्रोपोर्शन की क्वेश्चन दे रखी है, किसकी दे रखी है रेशियो प्रोपोर्शन की क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कभी पहले कभी कैसे निकालते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, अगर आपका चार नंबर दे रखे हैं कौन कौन से चार नंबर देखा है ए दे रखा है बी दे रखा है सी दे रखा है एंड डी दे रखा है, आपसे बोला कि सारे के सारे रेशियो प्रोपोर्शन में है तो आपको फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे आप ध्यान दीजिए कैसे लिखा होता है और ए रेशियो बी और कितना होता है सी रेशियो डी, कैसे लिख सकते हैं इसको हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं इसको कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, तो बस मैं क्या करने वाला हूँ इसी फॉर्म में इसको लिखने वाला हूँ इसी फॉर्म में इसको लिखने वाला हूँ। तो क्या रेखा जानते हैं ऊपर एक्स बाई इक्वल टू कितना दे रखा है 3:5 दे रखा है। अब करना क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ एक्स अपॉन बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और मुझे ये नहीं पूछा इसने पूछा क्या क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3x + 4/8x + 5/5 निकालना है आपको, इसका मतलब क्या बोला हुआ उसने उसका मतलब क्या बोला हुआ है इसने बोला हुआ है कि मुझे क्या निकालना है 3x + 4/5 और किसका रेशियो निकालना है आपको और रेशियो निकालना है इसको 8x + 5/5 का, ये रेशियो इनको फाइंड करना है। अब करना क्या है देखिए इसमें x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो देखिए अब क्या करना है इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको, देखेंगे ध्यान से x की वैल्यू कितनी है 3, तो मैंने क्या किया 3 × 3 किया और जैसे ही मैंने 3 × 3 किया यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 3 को मैंने क्या रखा यहाँ रखा 3 जो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 प्लस अब ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 24 y की वैल्यू कितनी है 5 रखोगे यहाँ पे तो 4 5 जा
20, ये 20 हो गया मेरा, और रेशियो साइन लगाया आपने, और यहाँ कितना हो गया 83, कितना x वैल्यू कितनी है 3 देखिए, 83 या कितना हो जाएगा 24, प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 कितना होगा 25 हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा सॉल्व 29 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करिएगा मैच कर रहा है ऑप्शन, तो आप देखेंगे ऑप्शन मैच कर रहा है 29 49, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी वे में, सिंपल वे में करेंगे, कोई भी आपको ज्यादा टिपिकल इसमें नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बोलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, इफ आपको एम की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको बोला 318 m 42 आर इन द प्रोपोर्शन, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, बड़े आराम से देखा था, अगर चार नंबर कोई दे रखे हैं आपको ए बी सी और डी, इनको बोला प्रोपोर्शन में, तो कैसे प्रोपोर्शन में लिखते हैं इसको, तो ऐसे लिखते हैं ए रेशियो बी, और ये आ गया आपका डबल कॉलन, और कितना आ गया सी रेशियो बी, ऐसे लिखते हैं इनको। और सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए ये क्या होता है नीचे चला जाता है, तो ए अपॉन बी आ जाएगा, और ये क्या होता है सिंबल इक्वल टू का सिंबल बन जाता है, ये क्या होता है सी होता है, यहाँ होता है डी हो जाता है, ये मेरा निकल के आ गया। बस आपको इसको ही फॉर्मूला लेके चलना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना, रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट रखा है वाला। अब इसमें क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए क्या करता है, पहले इसको सिंप्लीफाई सिंपल कर सकते हैं इसको सिंपल, क्या तो क्या हो गया मेरा 318 m 48 42, तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन देखते हैं इसको, कितना दे रखा है 318 m और 42, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, तो 3:18 ये हो गया डबल कॉलन n 42। अब इसको क्या लिखना है आपको, ऐसे लिखना है, तो कितना हो जाएगा 3/18 इक्वल टू साइन आ जाएगा m/42 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 3 से गया कितनी बार गया जी 3 6 जा 18, और 6 से कितनी बार जाएगा जब वाला 6 7 जा 42। अब 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, m का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कितना ऊपर कितना बचा 1 बचा, तो 7 बन जाए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना 1 बचा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ध्यान देंगे 7 यहाँ गया तो कितना बचेगा m इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। अच्छा चलिए मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए, अब यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका m अपॉन 7 हो जाएगा। अब मैंने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई इससे और 1 का मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 आ गई, ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने बड़ी सिंपल वे में इसको सॉल्व कर लिया, कितना दे रखा है सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये प्रॉब्लम भी इसकी सॉल्व कर दी, बड़े इजी वे में चलेंगे, ज्यादा टिपिकल वे में आपको काम नहीं करना, सिर्फ समझ समझ के करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन समझेंगे तो आसान लगेगा। देखिए क्या बोला है, इन एन एनसीसी कैंप, एक एनसीसी का कैंप दे रखा है, 1200 ट्रेनीज, मतलब जो एनसीसी के कैंपिंग करते हैं, ट्रेनी होते हैं, कौन से होते हैं जो कैंपिंग करते हैं, तो 1200 ट्रेनीज आर पार्टिसिपेटिंग आउट ऑफ विच 900, 1200 ट्रेनी ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से खाली बस 900 आर सिलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे कैंप। आपने एनसीसी कैडेट देखे होंगे जो कि क्या होगा ट्रेनी होते हैं, वो सीखते हैं, उनका प्रशिक्षण होता है, और फिर जब आपका 26 जनवरी होता है, रिपब्लिक डे का मतलब 26 जनवरी, तो उसमें क्या होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ भी प्रोग्राम दिखाते हैं, अपना स्किल्स दिखाते हैं, तो उसके लिए कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, खाली 900 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, कितने में से 1200 में से। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड एंड नॉट सिलेक्टेड कैडेट्स, तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक एनसीसी का कैंप दे रखा है, क्या दे रखा है एक एनसीसी का कैंप दे रखा है। अब इस कैंप के अंदर आपसे बोला गया कितने 1200 ट्रेनी, 1200 ट्रेनीज क्या कर रहे हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1200 ट्रेनी क्या क्या पार्टिसिपेट किया, क्या किया इसके अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है। लेकिन आपको मालूम है क्या, आपको ये मालूम है सर, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 900 बच्चे क्या हुए हैं सिलेक्टेड हुए हैं। अगर 12 में से 900 सिलेक्टेड हैं तो कितने बचे, अब 12 में से 9 गए तो कितना 3 बचेगा, तो कितने बच्चे बचे हुए हैं इसके अंदर, बचे हुए हैं टोटल
300 बच्चे जो बचे हुए थे वो कैसे थे, वो थे नॉट सेलेक्टेड। इतनी बात समझ में आ गई सबकी या फिर नहीं आई? कितने बच्चे बच्चे 300 बच्चे नॉट सेलेक्टेड, 900 सेलेक्ट हो गए वो बोल रहा है, तो बच्चे कितने 300 टोटल कितने थे 1200। तो अब निकालना क्या है, अब निकालना क्या है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड। तो देखिए क्या निकालना है आपको, मैं यहां लिख देता हूं रेशियो निकालना आपको। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्या बोला हुआ है इसने, सेलेक्टेड कैंडिडेट और कौन से हो गए नॉन सेलेक्टेड हो गए, कौन हो गया नॉन सेलेक्टेड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिएगा, सेलेक्टेड का मतलब कितना रखा है आपको, मैंने क्या निकाला है 900 निकाला, कितना हो गया 900, और नॉट सेलेक्टेड कितना रखा है आपको 300 रखा। तो वैल्यू यहां पुट की मैंने, इसको डबल जीरो चला जाएगा आपका, और 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 3 9 और 3 बन गया 3, कितना आ गया 3/1 आ गया, ठीक है ना, 3 बन जा 3 और 3 3 9, मैं काट देता हूं इसको जिससे कोई दिक्कत ना हो, 3 3 9 3 बन जा 3, कितना आ गया 3/1 आ गया। रेशियो की बात करो, रेशियो कितना आ जाएगा इसमें 3:1 आ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऊपर चेक करेंगे कितना ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसमें दे रखा है। बस आपको अप्रोच सही रखनी है, क्वेश्चन को समझना सही है, बाकी ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी लेवल फेस नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली प्रॉब्लम देखते हैं। इफ अ बॉय सेल्स अ बुक फॉर 450, क्या बोल रहा है वो कि एक लड़का है जो क्या कर रहा है 450 रुपए में एक बुक को सेल कर रहा है। ही मेक्स अ लॉस ऑफ 10%, कितने का लॉस हुआ उसको 10% का लॉस हुआ। टू गेन 10% व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस, अगर उसको 10% का गेन करना है तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो पहले तो मुझे कॉस्ट प्राइस ही नहीं मालूम है, तब मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा, तो मैंने क्या किया यहां से लेके जो यहां तक दे रखा है इसकी मदद से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था अभी, फॉर्मूला देखा था हमने, क्या देखा था, ध्यान से देखेंगे। एक तो गेन बोल रहा है वो और दूसरे का लॉस परसेंटेज बोल रहा है, तो फॉर्मूला क्या था, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपका, आप भी ऐसे ही करेंगे कॉपी में बार बार फॉर्मूला लिख के देखेंगे तो आपको याद रहेगा क्या बोला हुआ। देखिए परसेंटेज ऑफ लॉस की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका सीपी माइनस का एसपी अपॉन कितना हो जाएगा सीपी पे निकालना है इसको, कितना हो गया 100 हो गया। और अगर मैं बात करूं इसकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो, किस पे निकालते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, इतना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब मेरे पास लॉस परसेंटेज भी मालूम है, मेरे पास में परसेंटेज भी प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में निकला हूं यहाँ पे, अब देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ये लॉस के लिए है और ये प्रॉफिट के लिए है। अब देखिए क्या बोला, सेल्स ऑफ बुक 450, मतलब उसने एसपी दे रखा है मुझे, एसपी कितना दे रखा है रुपीज 450 का दे रखा है। और क्या बोला हुआ उसने, लॉस परसेंटेज बोला हुआ, मतलब कि लॉस परसेंटेज आपको बोला हुआ है कितना बोला हुआ उसने 10% बोला हुआ है, कितना बोला हुआ 10% बोला हुआ। फॉर्मूला आपको मालूम है, इस फॉर्मूले को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, कितना हो जाएगा परसेंटेज देखेंगे एल, और कितना हो जाएगा सीपी माइनस का एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। मैं डियर यहाँ मैंने रखा 10 रखा और यहाँ मैंने सॉल्व किया तो सीपी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, यहाँ कितना आ गया 450 आ गया, और ये कितना हो जाएगा सीपी हो जाएगा और कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि मुझे सीपी के लिए तो फाइंड करनी ही करनी है। सीपी कितना हो जाएगा 10 सीपी यहाँ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 सीपी इक्वल टू कितना हो गया सीपी माइनस का 450, और कितना निकल के आ गया यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से सीपी हो गया आपका 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, नोटिस देखेंगे जब ध्यान से देखना 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सीपी हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 4500। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो देखेंगे ध्यान से, सॉल्व करता हूं इसको तो देखिए 10 सीपी दे रखा है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, इंटरचेंज करनी खाली बस, तो मैंने यहां लिख रहा हूं देखेंगे ध्यान से 10 सीपी माइनस सीपी इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 4500, ये कितना आ जाएगा आपका 9 सीपी हो जाएगा, और यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 4500। अब देखिए इससे ये वाले कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, इससे 9 से क्या तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स आएगा ये वाला 500 टाइम्स, तो कितना हो गया सीपी की वैल्यू आ गई आपकी 500 रुपीज आ गई।
अब मैंने क्या सीपी फाइंड कर लिया, मैंने यहां से मेरा सीपी निकल के आ गया इतना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है कि सेलिंग प्राइस निकालनी है जब मुझे 10% का गेन चाहिए हो। तो मैं देखिए ये पोर्शन रफ कर रहा हूं मैं और फिर निकालते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, आपने देख ही लिया होगा फॉर्मूला। अब क्या करना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज वाला निकालना होगा, उसके अंदर से क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, सीपी निकल के आ गया आपका। अब जो करना है आपको ध्यान से देखना है, क्या करना है, गेन परसेंटेज देखना है। क्या देखना है, गेन परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होता है आपका, मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। प्रॉफिट या गेन बात एक ही होती है, एसपी माइनस कितना हो जाएगा सीपी हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा सीपी, इनटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। गेन परसेंटेज आपको गिवन दे रखा है, कितना दे रखा है 10% दे रखा है। यहाँ पे कितना करना, 10% पुट कर दीजिए यहाँ पे। अब कितना एसपी आपको मालूम नहीं है, वो एसपी कॉस्ट प्राइस के लिए था जब मैं लॉस हो रहा 10% का, अब मुझे 10% गेन करना तब मुझे एसपी निकालना है, गलती मत कर देना उसको देके। तो एसपी क्या होगा, मुझे फाइंड करना होगा। सीपी मुझे निकाल चुका हूं 500, भाई समझे नहीं इसको, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सीपी तो सेम रहेगा ना भाई, उसी सीपी पे तो उसको 10% लॉस हो रहा है, अब उसी सीपी पे तो उसको गेन करना है, यही तो उसका मतलब है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सीपी लिखा, सीपी कितना हो जाएगा 500 होगा और यहाँ कितना हो जाएगा 500। और कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तब तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से तो आराम सॉल्व कर लेंगे। यहां से क्या करना है आपका, 2 जीरो कट के यहाँ चलेगी 2 जीरो। अब क्या करना है, 5 का इसमें करो तो कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई का 5 10 50 हो गया। एसपी माइनस कितना हो गया 500 हो गया, ये माइनस का उसके क्या प्लस का हो जाएगा, तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई 500 + 50। तो आंसर कितना निकल के आ गया आपका 550 आंसर इसका आ गया। बड़े सिंपल वे में मैं निकाल लिया इसका आंसर, आपके सामने स्क्रीन पे ये ठीक है। सबसे पहले मैंने किसके लिए निकाला, सीपी निकाला था मैंने जब लॉस हो रहा था, उसके बाद एसपी कब निकाला जब मुझे गेन चाहिए होगा, ये पूरा प्रोसीजर आपका ये रहा। ठीक है माय डियर, बड़े सिंपल वे में निकाला। इसकी शॉर्ट ट्रिक जो होगी मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी हमारे चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 वाला। 16 क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन सेल्स वन स्पीकर फॉर 7500 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अनदर स्पीकर फॉर 8100 एट अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड हिज टोटल लॉस और प्रॉफिट। तो उसने क्या किया, दो स्पीकर सेल कर रहा है, एक स्पीकर सेल कर रहा है वो 20% के प्रॉफिट पे कर रहा है, और जो सेकंड स्पीकर है उसको उसमें जो सेल कर रहा है उसमें उसको लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। अगर फॉर्मूले वाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और देखेंगे कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे निकालना है, इस टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना है। हमें सेलिंग प्राइस दोनों की मालूम है, इसकी सेलिंग प्राइस ये है, इसकी सेलिंग प्राइस ये है, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम हमें कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है और इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, हमें खाली बस प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम है और लॉस का परसेंटेज मालूम है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को और देखें समझेंगे, बड़े ध्यान समझेंगे, सॉल्यूशन करेंगे वन बाय वन। देखिए पहले स्पीकर के लिए फॉर वन स्पीकर की बात करते हैं, फॉर वन स्पीकर, पहला स्पीकर अगर इसे बोले फर्स्ट स्पीकर बोले कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट समझाना, पहला स्पीकर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट स्पीकर की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या बोल रहा है कि कितना उसको एसपी कितना दे रखा है, उसका एसपी आपको गिवन है 7500। ठीक है, और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उस पर, उसको प्रॉफिट हो रहा है उस पर कितना प्रॉफिट है 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। और 20% को क्या लिख सकते हैं आप लोग, वो ध्यान से देखेंगे जरा, जैसा मैं बोलूँ वैसे समझते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। 20% दे रखा है, इसको मैंने क्या लिखा है 20/100, आपको मालूम है परसेंट ऐसे सॉल्व करते हैं और उसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 5 टाइम्स आएगा, तो कितना हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। मैंने 1/5 यहाँ लिखा। अब एक बात याद रखना समझना, जो अपॉन में ये संख्या दे रखी है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीपी बोलते हैं। और जो ऊपर दे रखा है ये क्या कहलाता है मेरा, ये कहलाता है मेरा, ये कहलाता है प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सीपी मेरा ये रहा, प्रॉफिट मेरा ये रहा, अगर मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ और 5 में प्रॉफिट कितने का हो रहा, 1 का, तो कितना हो जाएगा, तो जो मेरे निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा एसपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा एसपी। अब एसपी क्या होता है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो अगर 5 रुपये की कॉस्ट प्राइस रही होगी तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 1 जोड़ देंगे उसमें कितना आ गया 6 निकल के आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया सिर्फ इस फ्रैक्शन का मतलब बताया, लेकिन सेलिंग प्राइस 6 नहीं है, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है उसकी 7500 दे रखा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसके अंदर, इस 6 को किसके बराबर रख देना है, 7500 के बराबर आपको इसको
रख देना। जैसे इसको रखोगे तो सॉल्व करोगे तो बन निकालोगे तो बन कितना आ जाएगा, ये यूनिटरी मेथड है आपका। कोई भी क्वांटिटी दे रखी हो तो उसको वन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना यूनिटरी मेथड कहलाता है। तो सिक्स का किसके बराबर देगा, इसके बराबर देगा, तो वन कितने के बराबर हो जाएगा। तो जैसे मैं इसमें डिवाइड करूंगा 7500 जीरो में, कितनी बार जाएगा ये वाला, ये जाएगा 1250। ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस वन का बराबर आ गया। अब इसको क्या, जो वन के बराबर इतना दे रखा है तो फाइव मेरा सीपी दे रखा है तो फाइव के बराबर कितना हो जाएगा, तो फाइव के बराबर कितना होगा, तो फाइव का इसमें क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना निकल के आ गया, ये आ गया आपका 6250 आ गया, निकल कितना आ गया 625 आ गया। तो मेरा एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया, यहाँ पे यहाँ देखेंगे मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें तो कितना आया मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया मेरा 6250। इजी वे में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए समझने फिर एक बार करते हैं। अब किसके लिए करने वाले हम लोग, गेन के लिए करने वाले हैं। गेन कितना हो रहा है, अब सेकंड स्पीकर की बात कर रहे हैं, कौन से उसकी बात कर रहे हैं, सेकंड स्पीकर की बात कर रहे हैं। अब स्पीकर में क्या हो रहा है इसके अंदर वो देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, उसने सेल किया इसको कितने पे किया, सेलिंग प्राइस कितना रखा है, सेलिंग प्राइस रखा है 8100। और उसको लॉस कितना हो रहा है, परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हो रहा है उसको, उसको हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे, इसको मैंने लिखा, देखिए ध्यान से देखिएगा, लॉस दे रखा 10%, इसको मैंने कितना लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 10/100, परसेंटेज 100 लिखा मैंने, इसको काटा इसे तो कितनी बार जाएगा, ये 1/10 टाइम्स आएगा। अब मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो नीचे टर्म दे रखा है ये क्या कहलाता है, मेरा सीपी कहलाता है। अब मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, ये क्या था, प्रॉफिट बनना था मेरा, यहाँ कितना लॉस हो रहा था, ऊपर से क्या कितनी देगी, यहाँ पे ये दे रखा है मेरा लॉस दे रखा है, क्या दे रखा है, लॉस हो जाएगा मेरा। अब पूछा क्या उसने, लॉस हो रहा है तो 10 सीपी दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी किससे, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है ना। जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस से, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस से कम होगी, कितनी कम होगी, 1 कम हो जाएगी। सेलिंग प्राइस मेरी कितनी आ गई, यहाँ से मेरी आ गई 9 आ गई, ये मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई, इसमें सेलिंग प्राइस 9 आ गया। अब जो 9 नहीं है, कितना दे रखा सेलिंग प्राइस, 8100 दे रखा, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा आपका 8100 के बराबर हो जाएगा। तो 1 कितने के बराबर होगा, 1 हो जाएगा आपका 900 के बराबर हो जाएगा। अब मैंने बन की क्वांटिटी निकाल ली, अब मैंने ऊपर देखा कि सीपी कितना देखा, 10 दे रखा, 10 टाइम्स दे रखा, तो कितना हो जाएगा, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 900 × 10, तो कितना आ गया यहाँ पे, 9000 निकल के आ गया। ये क्या हो गया मेरा सीपी निकल के आ गया फॉर सेकंड के लिए, कितना आया 9000 ये सीपी निकल के आया सेकंड के लिए, और ये निकल के आ गया वन के लिए, ये वन के लिए आया है और ये कितने के लिए आया है, सेकंड के लिए आया है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, सॉल्व करता हूँ इसको आगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं है। अब देखिए पहला स्पीकर मेरा ये रहा और सेकंड स्पीकर मेरा ये रहा। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, सेलिंग प्राइस पहले के लिए कितनी दे रखी है, 7500, और दूसरे के लिए कितनी दे रखी है सेलिंग प्राइस, इसके लिए दे रखी है 8100। अगर मैं इसकी सीपी की बात करूं, सीपी मेरा कितना निकल के आया था, 6250, और मेरा इसके लिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई, मेरी कितनी आ गई, 9000 आ गए। अब आपसे बोला जा रहा है कि मुझे क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है। क्या बताना है आपको, प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो कैसे निकालेंगे इसको, आप सभी को मालूम है कि प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। अब ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, अब उसने क्या इस टोटल पूछा है, क्योंकि टोटल पूछा हुआ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक काम किया कि सेलिंग प्राइस को आपस में जोड़ दिया, कॉस्ट प्राइस को आपस में जोड़ दिया फॉर टोटल निकालने के लिए। तो देखिए बोथ केस में एसपी देखते हैं, फॉर टोटल के लिए, टोटल टी फॉर टोटल, तो कितना हो जाएगा एसपी, 7500 और 8100, तो कितना निकल के आया यहाँ पे, ये आ गया 006, और ये कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 15 हो जाएगा ये वाला। अब मुझे ऐसी क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, वो भी कैसे निकालना है, टोटल निकालना है। तो कैसे करूंगा टोटल के लिए, 6250 पहले के लिए इतना मुझे कॉस्ट प्राइस था, सेकंड के लिए कितना हो गया, 9000 हो गया, कितना निकल के आया, 250, और ये कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा।
अब ये यहां देखिए, यहां लगा है 15,600 और 15,250। ये मेरा क्या निकल के आया, एसपी आया, ये मेरा क्या है सीपी निकल के आया। एसपी की वैल्यू ज्यादा है, सीपी की वैल्यू कम है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब उसे पूछा गया है कि टोटल लॉस हुआ है प्रॉफिट, अगर हुआ है प्रॉफिट तो कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आपको क्या करना है एसपी माइनस टोटल माइनस कितना कर देना है सीपी टोटल माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितना कर रहे हैं, एसपी कितना रखा है मेरा टोटल का 15,600 और कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है इसकी 15,250 दे रखी है। पहली बात तो ये मालूम पड़ गया ना, ये ज्यादा दे रखा है, जैसे कि एसपी दे रखा है टोटल का ज्यादा दे रखा है किससे, कॉस्ट प्राइस टोटल से, तो मुझे क्या होने वाला है प्रॉफिट होने वाला, ये बात तो मालूम पड़ी गई आपको। तो देखिए लॉस का ये खत्म और लॉस का ये खत्म, अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अब देखिए 600 में 250 का तो कितना बचेगा, इसमें 350 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्या निकल के आ जाएगा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 350। तो ऑप्शन क्या देगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम के लिए कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, इससे इजी मेथड आपको नहीं देखने को मिलेगा, अदरवाइज फॉर्मूला रखेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन होता चला जाएगा। बाकी तो मैंने सॉल्व करने का आपको दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी आप इसको एक लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं, सिंप्लीफाई करने की प्रॉब्लम करते हैं, सिंप्लीफाई भी आपका एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, बोर्ड मास, बोर्ड मास देखिए आपने क्या देखा होगा, क्या होता है बोर्ड मास, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये क्या होता है आपका बोर्ड मास होता है। ठीक है ना, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट जो ऑफ हो रहा है उसको ओपन करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये आपका स्टेज बाय स्टेज चलते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि आपने पहले सब्सट्रैक्शन कर दिया फिर डिवाइड करा, ऐसा नहीं, क्या करना है पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ लिखता हूँ मैं 8 प्लस कितना दे रखा 4 माइनस 2 और फिर कितना देखा मल्टीप्लाई 17 माइनस 12 और कितना दे रखा है इंटू 10 और माइनस का 89, ये बताना है कितना होगा, ये बताना है वो कितना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देंगे इस पे, पहले ब्रैकेट देख लेते हैं, ये 4 में से 2 गया तो कितना बचा यहाँ पे 2 बचा प्लस का, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया, मल्टीप्लाई किया मैंने, ये ब्रैकेट को देखा मैंने तो 17 12 का तो कितना बचा 5 बचा ये मल्टीप्लाई साइन है आपका है, ये 10 दे रखा, ये कितना दे रखा है 89 दे रखा है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं सीधा माइनस कर देना, माइनस नहीं करना, पहले क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है फिर सब्सट्रैक्शन करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 500 और ये कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, फर्दर सॉल्व करने पे देखा मैंने तो ये निकल के आ रहा है 411 आ रहा है, जी निकल के आएगा कितना आ रहा 411 आ रहा है आंसर के, तो 10 में से 9 का तो 1 बचा, 9 में से 8 का तो 1 बचा, 4 किसका आ रहा है 411 आंसर आ गया, जो कि कितना होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इजी वे में करेंगे, ज्यादा आपको टिपिकल नहीं है इसके अंदर, सिंपल वे में आप बस अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, आंसर अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी आपकी सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम है जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, भाई हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, वही हम अप्लाई करेंगे कौन सा बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे इसके अंदर और फिर देखेंगे आंसर कैसे निकलता है। ये जो प्रॉब्लम दे रखी है किसकी प्रॉब्लम दे रखी है, सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम है, सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसको, आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, मेरी वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करिएगा, वरना मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना होगा इसका 0.05 और कितने दे रखा है प्लस 1.5 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 10 और कितना दे रखा है इंटू 0.5, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, डिवाइड साइन दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है और क्या मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन का फिर सब्सट्रैक्शन करना है, तो पहले क्या करना है डिवाइड करना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इसको मैंने लिखा 0.05 प्लस 1.5 इंटू 5 और डिवाइड कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, डिवाइड कर दिया मैंने, फिर 10 क्या चल गया, चला गया क्योंकि पहले डिवाइड करना है मुझे, अब फिर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 0.5 का, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई पहले करना है फिर उसका एडिशन करना है, तो मैं देखिए इसको काट रहा हूँ, ये क्या इससे देखिए कितनी बार जाएगा ये वाला, 5 से कितनी बार गया ये 2 टाइम्स गया, 5 से कितनी बार गया 2 टाइम्स गया, अब मैं ऊपर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसके अंदर, तो देखिए कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको 0.5 कितना जा रहा है यहाँ पे 5 5 जा
फाइव बन जाए। अब देखिए दो पॉइंट्स के बाद है तो दो पॉइंट्स का यहाँ पॉइंट आएगा आपका, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, और डिवाइड कितना हो जाएगा 2 का डिवाइड हो जाएगा। अब मैं अगर 2 का डिवाइड करूंगा इसके अंदर तो कितनी बार जाएगा ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 7 आएगा, 7 से क्या आएगा 2 3 जा 6, 1 आया यहाँ पे 15 आया, 2 7 जा 14, 1 बचा 2 5 जा 10, तो कितना आ गया इसको करने पे, सॉल्व करने पे कितना आया यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.375, और ये कितना दे रखा है आपका 0.05 दे रखा है, ठीक है माइडिया। अब तो खाली बस इनको आपको ऐड करना है, क्या करना है आपको इनको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे ध्यान से देखेंगे जरा, यहाँ करके आपको रफ दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि पॉइंट का है ना इसलिए दिखाना पड़ रहा है मुझे। और कितना हो जाएगा 0.375, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 7 5 2 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, ये कितना 0 हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 0.427। देखिए इसको बड़े आराम से करिएगा, कोई पॉइंट की प्रॉब्लम थी, अगर पॉइंट की प्रॉब्लम नहीं होती तो आप भी सक्षम है इसको तुरंत सॉल्व करने के लिए, ये आपको काम नहीं करना, ये तो मैंने रफ काम बताया था। बाकी प्रॉब्लम आपकी सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है माय डियर, बड़ी इजी वे में सॉल्व कर लेंगे आप इसको। सिर्फ याद क्या रखना है आपको, पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। पॉइंट की प्रॉब्लम तो पहले आप लिख के कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप जल्दी से स्किप मार जाए पॉइंट का, आप ध्यान ही भूल गए पॉइंट कहाँ लगाना है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टेप सॉल्व करके दिखाया था। चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या कह रही है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम है, इसमें भी हम क्या करेंगे बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे इसके अंदर भी। ब्रैकेट ऑफ कितना होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे आराम से, 7 + 5 और कितना देखा -2 मल्टीप्लाई 7 + 89 -94 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 × 2 -7, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये लिखा हुआ ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, और डिवाइड 11। अब इतनी सारी बुध रेखा वैल्यू, इसका आपसे आंसर पूछा गया सिंप्लीफिकेशन का, घबराना नहीं है, जो स्टेप प्रोसीजर है वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं स्टेप बाई स्टेप देखते हैं इसके अंदर, 7 + 5 ब्रैकेट है नहीं तो मैंने क्या कर दिया इसको 12 लिख दिया, -2 ये मेरा 2 हो गया, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है आपको क्या 7 और 8 9 दे रखा है, 9 कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 96 हो गया, इतनी बार समझ में आ गई आपको। अब माइनस करेंगे तो मैंने क्या लिखा 94 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया यहाँ पे, प्लस करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, डिवाइड कर देंगे इसका 33 का 3 में डिवाइड कर दिया, प्लस साइन आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा, मल्टीप्लाई साइन देखा तो कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस कितना लगा हुआ है 7 लगा हुआ है, और ये कितना हो गया आपका डिवाइडेड बाई 11 अभी है, अभी इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कट रहा है इसके अंदर, तो बड़े जगह काट दिए, कितना हो रहा है 11 बार गया ये वाला, ये 11 हो गया, इसको किससे काटेंगे, इसको मैंने काटा है इससे, कितनी बार गया ये 2 4 जा 8 2 7 जा 14, कोई दिक्कत है यहाँ पे 2 4 जा 8 2 7 जा 14। अब इसका मल्टीप्लाई और करके देख लेते हैं, अब देखते हैं कितना रिजल्ट आ रहा है, ध्यान से देखेंगे 12 मेरा यहीं पे है ही है, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, कितना हो गया 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और एक कितना हो जाएगा 18 और 1 19, माइनस कितना हो गया 47 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन दे रखा है, ये प्लस का साइन में लगा, साइन मत भूलना, साइन भूलोगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ये कितना 47 हो गया, प्लस लगाया मैंने यहाँ पे। अब देखिए ब्रैकेट लगाया, 11 दे रखा है 18 दे रखा है तो कितना हो जाएगा 29, और 29 में 7 गया तो कितना बचेगा 22 बचेगा, करके देख लीजिएगा 11 और 18 29 29 7 गया तो कितना बचा 22 बचा, और जो डिवाइड हो रहा था वो किसमें हो रहा था, इस वाले ब्रैकेट के लिए हो रहा था, तो कहाँ डिवाइड होगा 11 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये वाला, ये जाएगा आपका 2 times जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है 2 times गया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सिंप्लीफाई करना है आपको, ये 12 रेखा प्लस का, ये 2 रेखा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा,
माइनस, अब ये रेखा है माइनस का, ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में एडिशन हो जाएंगे, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, दोनों एडिशन होंगे लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। तो 2 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 1 कितना होगा इस पे कैरी होगा तो कितना होगा 239 आ गया। अब 239 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कितना आएगा 5 2 और 2 आ जाएगा, कितना आया 2 2 5 आया। लेकिन 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 माइनस करके जल्दी से आंसर टिक बंद मत कर ले आना, क्या करना है यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, साइन किसका आना है माइनस का आना है, कौन संख्या बड़ी है माइनस संख्या बड़ी, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 225 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई देखकर अपने आप को जोशीला मत बना लेना कि जाते टिक मार के आंसर और आगे घर पे, क्या करना है आराम से पेशेंस से क्वेश्चन देखना है, बोर्ड मार्क्स का रूल फॉलो करना है और सॉल्व करना है बड़े ध्यान से, प्लस माइनस का ध्यान रखना और सॉल्व करना, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है प्रॉब्लम। द एवरेज, ये प्रॉब्लम किसकी दे रखी है आपकी, एवरेज की प्रॉब्लम दे रखी है, समझेंगे एवरेज कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एवरेज की प्रॉब्लम है आपकी, अब इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास इज 160 किलोग्राम, मतलब 20 बॉयज दे रखे हैं उनका एवरेज दे रखा है, 20 बॉयज है उनका एवरेज कितना दे रखा है, उनका एवरेज दे रखा है 160 किलोग्राम, क्या दे रखा है ये एवरेज दे रखा है। एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 5 बॉयज कितना दे रखा है 5 किलोग्राम दे रखा है, और 5 बॉयज का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 5 बॉयज का एवरेज दे रखा है इन्होंने कितना 50 केजी दे रखा है, ये भी मेरा क्या है एवरेज दे रखा है, मैं लिख दिया बगल से कंफ्यूज मत होना, ये भी मेरा क्या था एवरेज था। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास, तो दोनों का क्या निकालना है आपको एवरेज निकालना है, समझ में आ गया, दोनों क्या निकालना है एवरेज निकालना है। सबसे पहले क्या करना है कि टोटल कितना वेट हो रहा है वो निकाल लीजिएगा, तो मैं देखता हूँ इसके अंदर 20 बॉयज वाले को देखिए रहा तो टोटल वेट कितना होगा, यहाँ लिख देता हूँ डाटा गिवन, ये आपको गिवन था 20 बॉयज का, देखते हैं आप लोग कितना निकलेगा 20 बॉयज का, देखिएगा टोटल वेट की बात कर रहा हूँ, टोटल वेट कैसे निकालेंगे, कितना दे रखा है 160 किलोग्राम, क्या दे रखा है एवरेज दे रखा है आपको, देखिए 20 बॉयज निकालो कितना हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ से 20 × कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना इतना, तो अब इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 16 × 2 = 32 और 00 आ गया, ये निकल के आया मेरा किसका 20 बॉयज वाले का। अब 5 बॉयज का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका देखो ध्यान से ये कितना हो जाएगा, टोटल वेट बात कर रहा हूँ इसका, 5 × 50 तो कितना निकल के आया 250 किलोग्राम, ये आ गया 250 किलोग्राम आ गया। ये कितने का निकाला 20 का निकाला, ये कितने का निकाला 5 का निकाल दिया मैंने, मुझे टोटल टोटल वेट मालूम पड़ गया। आपका करना है एवरेज का मतलब क्या होता है कि सारा वेट ऊपर नीचे कितने कितने स्टूडेंट का वेट है, ध्यान रखेंगे ऊपर टोटल वेट और नीचे कितने स्टूडेंट का वेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं, तो कैसे निकलेगा एवरेज ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे निकलेगा, क्या पूछा हुआ है एवरेज वेट पूछा हुआ है ऑफ ऑल द बॉयज, तो एवरेज वेट निकालना है आपको, किसका निकालना है ऑफ कितने का टोटल बॉयज, ऑल बॉयज कितने दे रखे हैं 20 दे रखा है यहाँ 5 दे रखा है यहाँ, तो कितना होगा टोटल कितने के लिए 25 के लिए निकालना है आपको, क्योंकि 25 क्या है बॉयज दे रखे हैं आपको, अरे बात समझ में आ गई, 25 बॉयज के लिए आपको एवरेज वेट निकालना है, तो देखिए टोटल वेट कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आपको कितना होगा 3200 + 250, टोटल वेट आ गया, और स्टूडेंट कितने होगा टोटल 2t + 5, तो कितना हो जाएगा 20 + 5, एक स्टेप बढ़ा के लिख दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 50 मुझे कितना हो जाएगा 4 मुझे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, अरे बोलो 50 आ जाएगा 224 आ जाएगा जितना आ जाएगा। ठीक है समझ में आया, अब इसको 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से काटा कितनी बार 5 5 = 25, 5 से कितनी बार जाएगा 5 6 = 30, 5 6 = कितना हो गया 30 हो गया यहाँ वाला, तो कितना बचा 4 बचा, कितना हो जाएगा 5 9 = 45, 0 आ गया। अब इसको 5 से फिर कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार जाएगा ये वाला 5 बन जा 5, 5 बन जा 5,
कितना बचा 119 हुआ, 53 जा 15, कितना बचा 4, 58 जा 40, कितना आ गया 138। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 138 आ जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे 138 है क्या, 138 है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल वे में चलेंगे, कोई भी कहीं भी आपको कुछ नहीं करना, एवरेज दे रखा है उसको टोटल वेट में कन्वर्ट कर लिया, ये 20 का मैंने निकाल लिया था, 5 का मैंने यहाँ निकाल दिया, फिर मैंने एवरेज में 25 बॉयज का निकालना है, जैसा उसने पूछा ऑल द बॉयज, ऑल बॉयज का मतलब 20 + 5, और मेरा आंसर आ गया 138 इसका आंसर आ गया। ठीक है माय डियर, इस तरह सॉल्व करेंगे सॉरी प्रॉब्लम को। अगली प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 2 to 6। क्या बोला हुआ है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उसको कितने ऑप्टेन हो रहे हैं, 2 to 6 एवरेज मार्क्स ऑप्टेन हो रहे हैं। इफ द मार्क्स ऑप्टेन बाई 6 ऑफ देम, कितना दे रखा है, इतना दे रखा है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मार्क्स ऑप्टेन बाई द 7th स्टूडेंट, 7th स्टूडेंट का निकालना है। तो देखिए यहाँ कितने रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्टूडेंट का दे रखा है, 7वें स्टूडेंट का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एवरेज जरूर दे रखा है, कितने का दे रखा है एवरेज, 7 स्टूडेंट का 2 to 6 दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई, कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व वो देख लेते हैं। अब देखिए एवरेज बराबर कितना होता है, एवरेज बराबर कितना होता है, एवरेज सम ऑफ द सम ऑफ नंबर्स अपॉन कितना होता है, क्वांटिटी आ जाती है, क्वांटिटी ऑफ नंबर। ठीक है एवरेज देखते हैं, एवरेज कितना दे रखा है यहाँ पे, एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 to 6 दे रखा है। कितना एवरेज है यहाँ पे, 2 to 6 का एवरेज दे रखा है, इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे कितने नंबर्स दे रखे हैं उसको तो यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 340 प्लस कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 275 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा 307 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना बोला हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट वाले क्या माना हमने, ए मान लिया। डिवाइड में कितना आएगा, ऊपर जितनी क्वांटिटी दे रखी हो नीचे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये जो एवरेज दे रखा है ना, वो 7 का एवरेज दे रखा है, तो मुझे यहाँ भी 7 नंबर्स देखने पड़ेंगे। तो मैंने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमसे पूछा गया, 7th वाला पूछा गया, नीचे क्या आएगा जितने ऊपर क्वांटिटी आई होगी उतना क्या होगा नंबर्स नीचे आ जाएंगे, कितना 7 आ जाएगा। ठीक है अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, किससे किया, ध्यान से देखेंगे, 2 to 6 into 7 हो जाएगा। इतनी सारी क्वांटिटी को आपको जोड़ना है, जोड़ के ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1418। सबको जोड़ने का देख लीजिएगा आप, और ये कितना हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला इसका आएगा 1582। ये प्लस का जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1418 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना और आंसर निकालना है, कितना आंसर आ जाएगा इसका सॉल्व करने के बाद में, ध्यान देंगे कितना आ जाएगा, माइनस करके देखेंगे 12 में से 8 का तो कितना हो जाएगा 4 बचा, तो कितना निकलेगा 164। ऊपर देख के आंसर चेक कर लीजिएगा। अगर आप सही प्रोसेस में जा रहे हैं ना, जैसे मैंने बोला 12 में से 8 गए, तो आपको जरूरत नहीं पूरा सॉल्व करने की, ऊपर चेक करो कोई 4 आ रहा है, 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आपको शॉर्टकट देता रहूंगा, टाइम टाइम देखते रहेंगे। ठीक है अगली प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अब बोल रहा है कि ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स, एक लाइब्रेरी दे रखी है वहां पे औसतन कितने लोग आते हैं, 510 विजिटर क्या करते हैं, विजिट करते हैं कब, संडे वाले दिन, और 240 करते हैं अदर दिन में करते हैं। तो द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ मंथ ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग विद संडे, संडे के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग। तो देख वो पूछ रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये एवरेज की प्रॉब्लम है आपकी, पहले तो ये आप समझ जाइएगा। लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स बोल रहा है, कितना बोला, संडे वाले दिन, संडे को कितने विजिटर्स आते हैं, 510 विजिटर्स आते हैं, और अदर दिन में, अदर्स में कितने आते हैं, अदर्स का ध्यान देंगे जरा, अदर्स में कितने लोग आते हैं आपके, अदर्स में आते हैं 240 लोग आते हैं। अब बोला हुआ है ऐसा 30 दिन तक होता है, 30 डेज तक पूछा उसने, लेकिन बोला क्या, स्टार्टिंग कहां से बोली है उसने, जो महीने की स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है,
मंथ का जो स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग डेट कौन सा, डेट कौन सा होगा, स्टार्टिंग होगी आपकी मंथ की कहां से, संडे से। अब बताइएगा इसका आंसर क्या निकलेगा, क्या पूछा हुआ है, द एवरेज नंबर ऑफ ड्यूटेज इन द मंथ ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग विद संडे, ये आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखेंगे इसको। संडे की बात कर ली हमने, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, संडे से हो रहा है। तो देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि संडे, फिर क्या आएगा, मंडे आएगा, ट्यूजडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा और सैटरडे आएगा। तो कितने संडे पड़ेंगे एक मंथ के अंदर, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो यहां देखिएगा कि पहला दिन क्या है आपका, संडे है, दूसरा क्या है, मंडे, तीसरा क्या है, ट्यूजडे, 4, 5 और 6 और 7। मतलब अब जो दूसरा संडे आएगा वो किस पे आएगा, वो आएगा 8 पे आएगा, वो कितने पे आएगा, 8 पे आएगा, वो कितने पे आएगा, 8 पे आएगा। ऐसे ही 9, 10, 11, 12, 13, 14 फिर किस पे आएगा, 15 पे आएगा। फिर किस पे आएगा आपका, भाई इसमें 7 जोड़ो तो 8 आ गया, 8 में 7 जोड़ो तो 15 आ गया, 15 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 22 आ जाएगा, और 22 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और उसके बाद तो फिर महीना 30 आएगा, 30 तो यहीं के ही खत्म हो जाएगा, 29 आएगा मंडे को और ट्यूजडे को आएगा 30 हो जाएगा। तो मेरे कितने संडे आ गए, तो टोटल मेरे कितने संडे आए हैं, ये संडे आ गए 1, 2, 3, 4 और 5। कितने संडे आए हैं मेरे, 5 संडे आ चुके हैं एक मंथ के अंदर। अगर आपका स्टार्ट होता है कितने से, संडे से स्टार्ट होगा महीना, तो कितने आएंगे संडे, 5 संडे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल संडे में यहां लिख देता हूं, संडे, संडे कितने आ गए आपके, 5 संडे आ गए। बस समझ में आ गई इतनी, 5 संडे आ गए आपके। अब क्या करना, संडे का बोला, संडे को कितने लोग आते हैं, ऐसे संडे को जैसे इस संडे को ये आए, इस संडे को वो आए, तो टोटल 5 संडे में कितने विजिटर ने विजिट किया, तो टोटल 5 संडे में कितना हो गया, 510 दे रखा है मैंने, क्या किया इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 5 का, तो देखिए कितने आ गए, 0, 5 बन जा 5 और 5, 5 जा 25, इतने लोगों ने विजिट कर लिया संडे वाले दिन। अब बात करते हैं अदर्स की, जब संडे 5 हो गए और अदर डे की बात कर रहा है ये, तो 30 दिन टोटल की बात कर रहा है, तो कितने बचे अदर्स के लिए, अदर बचे 25, अदर डे कितने बचे हैं, अदर्स बचे हुए हैं 30 में से 5 गया तो कितना बचा, 25 बचा। अब 25 की बात कर लेते हैं, तो 25 की बात की, 25 अदर्स डे थे। अब इस वक्त कितने लोगों ने विजिट किया वो देखते हैं, 25 और 240 विजिट कर रहे हैं, तो कितना हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 25 दिन का, भाई एक दिन में इतना किया है ना, तो ऐसे 25 दिन बचे अदर्स के, तो कितने हो जाएंगे, तो 25 का मल्टी 240 में कर दिए, कितना आ गया, देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100, 10 कैरी हो गया, 25 दुनी कितना, 50, तो 2 कितना, 10 कितना हो गया, 60 हो गया। इतने लोगों ने विजिट किया अदर डे, इतने लोगों ने विजिट किया था संडे वाले दिन। अब क्या पूछा हुआ है, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ मंथ ऑफ 30, एवरेज विजिटर पूछ रहा है इसके अंदर। हमें मालूम है संडे को इतना आया, अदर्स डे इतना आया, तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो बड़े आराम से निकालेंगे इसको, कैसे निकलेगा एवरेज, टोटल कितना दे रखा संडे वाले दिन काउंट करियो, 2550 ये कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और कितने से कितना लोग आ रहा है, कितने दिन थे आपके, तो कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएंगे टोटल। इनको सॉल्व करना, आपको सॉल्व किया तो कितना आ गया, ध्यान से देखेंगे, यहां से मैं लिख दिया 550 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नीचे कितना 30 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 550, 6, 2, 8 आ गया। अब 3 का क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, तो 3 का डिवाइड किया तो कितनी आएगा, 3 से करिए, यहां पे 3, 2 जा 6, 3 से काटा है इसको, 3, 2 जा 6 और फिर कितना बचा, 2 बचा, 3, 8 जा 24, 3, 3, 5 जा 15, तो कितना आ गया, 285 एवरेज निकल के आ गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। चेक करेंगे ऑप्शन क्या दे रखा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर दे रखा है। अरे समझ पाए जो मैं बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, बहुत इजी वे में था, संडे को कितने लोग आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, अदर्स कितना रहे, इतना आ रहा है, पूरे महीने का निकालना हो, संडे से स्टार्टिंग हो रही है, तो संडे कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। अगर एक दिन इतने आएंगे तो 5 संडे में कितने आएंगे, इतने लोग आएंगे। अब एक दिन इतने आ रहे तो अदर्स डे में कितने आएंगे, तो इतने आएंगे मिला के 6000 होगा। फिर एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और टोटल कितना 30 का निकालेंगे, आंसर कितना 285 आ जाएगा। टोटल पूछा हुआ है तो 5 तो ये रहे और 25 ये, तो कितना होगा टोटल, 30 होगा। ऐसे आंसर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है।
अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है, ये एवरेज की प्रॉब्लम है। मतलब आप देख सकते हैं कि एवरेज से कितने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को पूछे गए हैं। अब देखिए, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th मैच एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3। मतलब कि क्या बोल रहा है कि उसका 16 मैचों के अंदर कोई एवरेज रहा होगा। अब जैसे ही उसने 17th मैच में 87 रन मारे तो उसका एवरेज क्या कर गया, 3 नंबर इंक्रीज कर गया। तो फाइंड इज एवरेज आफ्टर द 17th मैच, क्या बोल रहा हुआ है, फाइंड करना आपको एवरेज 17th मैच के बाद कितना हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट मान लेते हैं कि 16th मैच में उसका एवरेज कितना है, उसका एवरेज हमने मान लिया एक्स, मान लिया 16th मैच में मान लिया मैंने उसको। तो देखिए इसका जब एवरेज नंबर निकालो, नंबर कैसे निकलेगा इसका, आपको मालूम ही है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए तो मेरे नंबर मालूम पड़ जाएंगे रन। ये रन उसने बनाए थे 16 मैच तक, उसके इतने रन थे भाई, 16 मैच का एवरेज कितना हो गया, लेट एवरेज ऑफ 16 मैच, एक बार रुक जाइए मैं लिख देता हूं इसको अच्छे से, कंफ्यूज हो जाओगे आप। लेट एवरेज ऑफ 16 मैच इक्वल टू एक्स दे रखा है। अब ये एवरेज था तो रन कितने हो गए टोटल, 16x हो गए, प्लस 17th में कितने रन मारे थे उसने, 87 रन मारे थे, उसने कितने मारे थे 87 रन मारे। कब, अब जो रन मारे थे तो कितना इसका इफेक्ट क्या पड़ा, उसका इफेक्ट पड़ा कि 17 वाले मैच में उसका एवरेज कितना हो गया था, उसका एवरेज हो गया कितना, एवरेज हो गया उसका x प्लस 3 एवरेज देखने को मिला। बात समझ में आ गई इतनी, क्या मिला, x प्लस 3 उसका एवरेज देखने को मिला। अब इसको सॉल्व करना आपको, तो क्या सॉल्व करेंगे, 16x प्लस 87 और ये कितना हो गया 17x हो गया, और प्लस 17 दिया 51 हो गया ये वाला। अब 17x ये रहा, 16x ये रहा, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर लेके आ जाइए, तो कितना हो जाएगा, इंटरचेंज करना है इसका लिए आपको, 87 माइनस का 51 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आया, 7 से 1 गया तो कितना बचा, 6 बचा, और 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 बचा। ये मेरी x की वैल्यू आ गई, जो मुझे x यहां नहीं मालूम था वो मैंने यहां पे फाइंड कर लिया। लेकिन उसने क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसने बोला है फाइंड हिज एवरेज आफ्टर द 17th मैच। और 17th मैच के बाद हो क्या रहा है, 17th मैच के बाद में जो एवरेज कर रहा है वो क्या कर रहा है, एवरेज x प्लस 3 हो रहा है, क्या हो रहा है, x प्लस 3। ऊपर देखेंगे कितने इंक्रीज कर रहा है उसका एवरेज, 3 नंबर से इंक्रीज कर रहा है, तो x प्लस 3 हो गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू आपको मालूम है तो क्या करना, सीधा यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगा, 36 प्लस 3, एवरेज कितना निकल के आया, 39 इसका एवरेज आ गया, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैंने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है माय डियर, एवरेज की प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व हो गई है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए एवरेज ऑफ इतना निकालना है आपको, एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, मैंने फॉर्मूला लिखा था पहले कि जितने नंबर्स दे रखे उनका एडिशन कर लीजिए और उनकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिएगा, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी है उनकी। देखिए एक क्वांटिटी, क्वांटिटी का पहले एडिशन कर दीजिएगा और फिर कितने नंबर क्वांटिटी उनका डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, ये भी आपकी एवरेज की प्रॉब्लम दे रखी है, तो सोचिए एवरेज कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्या सॉल्यूशन दे रखा है, देखिए ध्यान से, एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे निकालते हैं आप लोग, सम करते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी दे रखी हो ऊपर, और कितना होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको तो कितना, सम ऑफ क्वांटिटी का मतलब कितने नंबर से रखें इनका एडिशन कर दीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ठीक है। अब नीचे कितना करना है, काउंट करिए कितने नंबर दे रखे हैं वाले, 1 2 3 4 5 6 7, कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहां से, सॉरी 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब
18 18 कितना होगा 36 होगा, 36 को 13 कितना हो गया 49 हो गया, 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ गया 7 आ गया, कितना एवरेज आ गया 7 आंसर आ गया। सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ये वाले, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस ध्यान रखिएगा जितनी एंटिटी दे रखी है उनका क्या करना, सम करना, ऊपर नीचे क्या करना, डिवाइड कर देना नंबर ऑफ क्वांटिटी से, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या परसेंटेज की प्रॉब्लम है, किससे रिलेट कर रहा है, परसेंटेज से प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसको क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले जो काम करना है आपको, ये काम करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं करनी है, आपके पास सफिशियंट टाइम होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा 2 मिनट और सॉल्व करिए 1 मिनट में। अब बहुत से बच्चे करते हैं, देखा सिंपल प्रॉब्लम है इसको तो 2 मिनट में कर लेंगे, वो गड़बड़ हो जाता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1/4 of 1/3 of 2/5 of a number is 15, क्या उसमें बोला हुआ है। 1/4 को कैसे लिखते हैं, मतलब कैसे लिखा जाता है, 1/4 of, अब क्या बोला, ऑफ 1/3, 1/3 बोला हुआ है, फिर कितना बोला हुआ है, ऑफ 2/5 बोला हुआ है, कितना बोला हुआ, 2/5 बोला हुआ है। ऑफ अ नंबर इज, ऑफ अ नंबर इज कितना बोला हुआ है इसने, 15। मैंने इसको क्या माना, नंबर कंसिडर कर लिया है 15, उसका बोला हुआ है 40% ऑफ दैट नंबर निकालना है, मतलब जो आप नंबर निकाल लेंगे उससे कितना निकालना है आपका, उसका निकालना है 40% ऑफ नंबर, ये पूछा ये कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, एक ही वैल्यू को यहां पुट करेंगे और फिर आंसर निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी तरह से आपको अजम्पशन लेके चलने होंगे, ठीक है, सॉल्व करना होगा इस तरह से। अब देखिए ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई होता है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए, और कितना हो गया यहाँ पे 15 निकल के आ गया। अब क्या करना है, 2 से ये कैंसिल आउट कर गया, कितना हो गया ये 2 times आएगा ये वाला। अब बचा कितना, जो भी बचाओ देख लीजिएगा आप, 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30, तो कितना आ गया, a/30 = 15 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 15 × 3 = 45, 450 आ गया निकल के, कितना आ गया 450 आ गया। अब 450 का क्या निकालना है आपको, 40% निकालना है, 40% निकालना है कितने का आपका, 450 का, परसेंट का मतलब कहाँ लिखते हैं, पीछे 100 लगा देते हैं, ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 450 निकाल लगा, अभी आपने देखा था, 1 0 से ये 0 गई, 1 0 से ये वाली 0 गई, तो कितना बचा यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देखिए कितना बचा, 4 × 45, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 22 कैरी, 4 × 4 = 16 और 2 कितना हो गया 80, ये क्या आ गया मेरा आंसर आ गया, कितना हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 180। बड़े सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, बिल्कुल हबड़ तबड़ नहीं करनी है, क्वेश्चन इजी आ गया तब भी एकदम से सॉल्व करने नहीं बैठना है उसको, वरना क्या होगा अगला क्वेश्चन देखेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है तसल्ली से, फिर इसको सॉल्व करना, आपका आंसर क्विक वे में आ जाएगा। स्पीड आपकी तब बढ़ेगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड बनती चली जाएगी। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक होगी क्वेश्चन के अंदर तो मैं आपको दे दूंगा, हर क्वेश्चन में जबरदस्ती ट्रिक मत बनाइएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है माई डियर, ठीक है। ये वो क्वेश्चन दे जाएगा, इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25%, क्वेश्चन दे रखा है, इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाय 2 देन द नंबर इज। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम ये वाला, सबसे पहले देखेंगे क्या बोल रहा है ये वाला, परसेंटेज की प्रॉब्लम है ये आपकी, किसकी है, परसेंटेज की प्रॉब्लम है, और इसको इजी वे में हम सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं। इफ 15% ऑफ 40, क्या बोला हुआ है इसने, डाटा पहले सिंपली लिखना है आपको, जैसा आपको बोला गया वैसे ही लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, मैंने क्या बोला है, ज्यादा दिमाग यूज मत करिएगा, जैसा बोला वैसे करते जाइएगा। 15% ऑफ 40, क्या बोला हुआ है, 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर, कितना बोला हुआ, 25% ऑफ अ नंबर, नंबर को मैंने क्या माना, लेट, लेट मान लो नंबर कितना लिखा है इसको, मैंने मान लिया है वो नंबर ए है, तो मैंने यहाँ ए लिख दिया, ठीक है। अब ज्यादा तो है लेकिन कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन एक फॉर्म कर ली कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए,
सिंपल वे में, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ देखा अगर इसमें से मैंने इसको टू इसको माइनस किया तो कितना मिलना चाहिए, टू मिलना चाहिए, मतलब कि कितना ज्यादा हो जाएगा, टू ज्यादा हो जाएगा। अब क्या करना है इसको सॉल्व करने का, ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है। अगर मैंने बोला फोर, समझ लीजिएगा एक बार जरा, मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपसे बोला जाए ए परसेंट, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत को कहां लिखते हैं, नीचे लिख दीजिए ए अपॉन हंड्रेड, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो बस मैं वही लिखूंगा, उसको ध्यान दीजिएगा क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 15 परसेंटेज को क्या लिखा मैंने, 100 लिख दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये कितना हो गया 40 हो गया, माइनस अब ये कितना होगा 25%, फिर लिखूंगा मैं नीचे 100, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले एक चीज याद रखें, 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और या फिर कॉमन निकाल लीजिए या फिर एलसीएम लीजिए, दोनों तरीके आपके पास में है, या तो आप एलसीएम ले लीजिए इसका, या फिर 1/100 कॉमन निकाल लीजिएगा। अगर जैसे ही मैंने 1/100 कॉमन निकाला तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिर्फ सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी तो आपको मालूम ही है। 1/100 बाहर आया तो कितना बचा अंदर, 15 × 40, और कितना बचा 25 × a, और कितना हो गया इक्वल टू 2 निकल के आ गया। 100 को उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 200 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको तो देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पे 15 × 4 = 60, तो कितना हो गया 600 हो गया, माइनस 25 ये तो आपका है ही है, और यहाँ कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स को तो क्या हो जाएगा, देखिए 600 − 200 कितना आ गया, 25 a आ गया, ये कितना बचा आपका, ये आ गया आपका 425 a, यहां से इसका डिवाइड इसमें लगाएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 400/25, और कितना आंसर आ जाएगा, यहां से 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 8 = 4, 25 × 4 = 100, 400, एक मिनट रुक जाइएगा, कितनी बार जाएगा जी, 16 टाइम्स जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, 5 से काटा तो कितनी भी आएगा, 5 × 5 = 25, ये आ जाएगा कितने, 5 × 4 कितना जाएगा, 5 × 5 =, अरे समझ पा रहे जो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए वो ऊपर यहाँ देख लीजिएगा, कहाँ दिखाना है, एक सेकंड यहाँ देखिएगा कितना लिखा हुआ है, 400 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो 4 × 100 को अलग कर दीजिएगा, ठीक है, अब कितना हो गया 25 को इसे कैंसिल करो कितना होगा, 25 × 4 = 100, तो 4 × 4 कितना हो गया, 16 आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। या डायरेक्टली इसको कट कर देना यहाँ से तो आपका आंसर आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 16 टाइम्स आएगा आपका, ठीक है, कितनी बार जाएगा ये 16 टाइम्स आएगा, तब भी कर लीजिएगा, तो मैं वैसे कर लीजिएगा सॉल्व, कितना हो गया यहाँ पे 400/25, या आप ऐसे कर लीजिएगा या आप डायरेक्टली ऐसे कर लीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 16 आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जो मैंने अभी काटने देखा, आप भूल जाओगे डबल डिजिट कट करोगे, ऐसा नहीं करना है आपको, देखना 400 लिखा हुआ तो उसको तोड़ लो, 4 × 100 कर लो, फिर 25 का डिवाइड सीधे चला जाएगा, क्योंकि मान लो 25 × 4 कितना होता है, 100 होता है, तो आपने क्या किया, 4 × 4 = 16, आपका आंसर कितना आ गया, 16, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया, सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर। किसमें बोल रहा है आपको, पहली बार तो लेंथ फाइंड करनी है, किसमें करनी है, सेंटीमीटर फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डाटा गिवन लिख देना है, ये आपका मेंसुरेशन से प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा मेंसुरेशन की प्रॉब्लम है आपकी ये वाली। देखिए डाटा गिवन क्या दे रखा है पहले वो देख लेते हैं, और क्या पूछा है इसने वो देख लेते हैं। सबसे पहले डाटा क्या दे रखा है इसने, एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 700 स्क्वायर मीटर का मतलब कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और ब्रेड दे रखी है इसने, कितनी ब्रेड दे रखी है इसने 25 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 25 मीटर दे रखी है, और फाइंड क्या करवाया आपसे, फाइंड करवाया इसकी लेंथ फाइंड करवाई है, किसमें निकालनी है, लेंथ तो निकालनी है, किसमें निकालनी है, सेंटीमीटर में निकालनी है। डाटा लिखने से क्या होता है, आपको एक आइडिया लग जाता है, उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वरना क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाएगा।
कहां गलती करोगे मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए एरिया दे रखा है, अब आपको क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर दे रखा है। रेक्टेंगुलर क्या मतलब होता है, जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, दो साइड आपस में होती है बराबर होती हैं, ये रेक्टेंगुलर होता है आपका। तो इसमें क्या बोला है, एक लेंथ ये दे रखी है आपकी और क्या दे रखा है, ये ब्रेथ दे रखी है इसकी। आपसे पूछा गया इसका एरिया कितना होगा, तो आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यही होता है ना, ये क्या होता है एरिया निकल के आता है आपका। अब खाली क्या करना है, इस फॉर्मूले को वहां लिख देना है। तो मैंने लिखा एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, एरिया आपको मालूम है कितना दे रखा है, 700 दे रखा है, और लेंथ आपको निकालनी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको, 25 दे रखी है। एल यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 700/25। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, 7 × 100 कर दीजिएगा, नीचे 25 कर दीजिएगा, 25 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 4 times आएगा, एल निकल के आ जाएगी आपकी 28, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो कितना हो जाएगा, ये मीटर में आ जाएगी। अब बच्चे क्या करते हैं खटाक सीना, इसको तो भूल जाते हैं सेंटीमीटर को, सीधे 28 देगा आंसर टिक मार के आगे निकल जाते हैं, लेकिन इसलिए मैं डाटा लिखवा दी, किसमें निकालना है आपको, सेंटीमीटर में निकालना है। और आपको मालूम है क्या मालूम है, आपको अच्छे से मालूम है क्या मालूम है आपको, आपको मालूम है एक मीटर में कितने होते हैं, 100 centimeters होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है कितने का, 100 का, तो कितना हो जाएगा, 100 × 100 इसमें कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, आंसर कितना आ गया, 2800 centimeters आंसर आ गया, कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा जी, क्या आ गया आपका आंसर निकल गया, आ गया। बड़े इजी वे में आप आंसर निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम आपको लगेगा, जो तो टाइम मैंने आपको इसलिए कि सॉल्व करके दिखा रहा हूं समझा रहा हूं, सिर्फ टाइम लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है रीना टुक अ लोन ऑफ 1200 विद सिंपल इंटरेस्ट। जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट का नाम आया तो ये किसकी प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई है आपकी एसआई से। एसआई का मतलब बोलते क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से। और सिंपल इंटरेस्ट का अगर नाम आपके सामने आया तो क्या करना है आपको, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, एसआई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, ऐसे ही लिखा जाता है, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, जहां पे आर क्या होता है आपकी, पी क्या होता है प्रिंसिपल होता है, आर क्या होती है रेट होती है, टी क्या टाइम होता है, एसआई का सिंपल इंटरेस्ट होती है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। डाटा गिवन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, सबसे पहले आपको यही काम करना है, डाटा लिख लेना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो रीना टुक अ लोन ऑफ 1200 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोला हुआ है, जितना जितने साल के लिया उतना ही उसको क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, जितने साल का उसने लिया उतने साल पे रेट लगा हुआ है, ठीक है। इफ सी पेड 432 इंटरेस्ट, मतलब 432 क्या दे रखा है, एसआई दे रखा है। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे क्या पूछा हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हुआ है, मतलब कि आपसे आर फाइंड करवाने को बोल रहा है वो, पी आपको दे रखा है कितना, 1200 दे रखा है, एसआई आपको लास्ट में पे करने को बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 432 बोल रहा है। और जो क्वेश्चन की क्वालिटी है, जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे क्वेश्चन में आर किसके बराबर, जितना रेट होगा और जितने टाइम के लिए लेगा उतना क्या रेट लगेगा उसके ऊपर, तो R इक्वल टू कितना होगा, T हो गया। अब तो खाली इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या होता है आपने देखा फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, SI की वैल्यू कितनी आ गई, 432 आ गई, P कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है आपको, R और T दोनों कैसे हैं बराबर हो गए, और निकालना क्या मुझे, R निकालनी है तो T को मुझे क्या करना पड़ेगा, R लिख देना है, R को तो मैं R लिखूंगा ही और T को मैं क्या लिख दिया, R लिख दिया, ये कितना होगा नीचे 100 हो गया, इस 100 से ये चला जाएगा मेरा, कट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना देखिएगा, 432 इक्वल टू 12 × r² 12 का डिवाइड मैं इसमें लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, r² स्क्वायर इक्वल टू 432/12 12 × 36 कितना बचा, 7 बचा, 12 × 72 कितना होगा, 36 आ गया। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई, तो यहां से क्या निकालूंगा मैं, R निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, अंडर 36, तो कितना आ गया आंसर, 6 इसका आंसर आ गया, रेट कितनी आ गई, 6 आ गई, B का जाएगा। सिंपल वे में निकालना है, कुछ भी नहीं करना, जैसा बोला जैसा क्वेश्चन बोलता है जब वैसे ही आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अगली प्रॉब्लम देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द क्लॉक इज टाइम इज कितना बोला है 7:15 PM, कितना बोला हुआ है 7:15 PM। सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लॉक बनाएंगे, क्या बनाएंगे सबसे पहले एक क्लॉक बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक हम क्या बना रहे हैं क्लॉक बना रहे हैं, इसमें मैंने क्या कर टाइमिंग डिसाइड कर दिया, टाइम देखिएगा कैसे करा मैंने 12:06:39, ये कितना हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब क्या करना है इसके अंदर, अब मुझे जो करना है घड़ी का पॉइंट क्या है, यहाँ पर ये बड़ी सुई कहाँ जाएगी 3 पे जाएगी और छोटी सुई कहाँ जाएगी मेरी 7 पे जाएगी, छोटी तो रही नहीं बड़ी हो गई ये तो है ना, ठीक है देख लेते हैं। देखिए छोटी सुई कहां पर है आपकी, यहां पर है, ये छोटी सुई है, आपको मालूम ना आवर्स की एंड कितना होता है छोटा होता है और मिनट से कैसा होता है बड़ा होता है, 7:15 तो मिले तभी बजेंगे, तो कितना बोला 7:15 बोला, 7:15 आपकी होगी, ये 7 एग्जैक्ट 7 पे नहीं होगी, कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी, 15 मिनट आगे बढ़ चुकी होगी, ठीक है। अब मैंने क्या करा इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, कैसे ड्रॉ करी ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको मिला दिया इससे, ये मैंने मिला दिया, अब इसको उठा के मैंने बाहर निकाल के लेके आ रहा हूँ, ठीक है ध्यान से देखेंगे, बाहर लेके आ रहा हूँ इसको मैं, कुछ इस तरह का ये डायग्राम बना, ठीक है मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और सी। अब देखिए ये लाइन क्या है, ये लाइन और ये लाइन बराबर नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, एक बात याद रखिएगा, बहुत से दिमाग कुछ भी चला लेते हैं कि आइसोसेल ट्राइंगल बन गया जिसके बराबर होगी तो रख दिया, ए बी और बी सी दोनों बराबर नहीं है, आपको मालूम है मिनट सेकंड की लाइन बड़ी होती है और आवर सेकंड की लाइन छोटी होती है, ठीक है ना, सुई निडल जो होती है। अब इसमें देखेंगे, अब देखिए जो इनके बीच में एंगल बन रहा होगा वो कितना बनना होगा, जितना भी बने लेकिन क्या बनेगा, एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा ना 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ऐसे बनता है 90 डिग्री का एंगल, और ये कैसे बना, थोड़ा ज्यादा बन गया इससे, तो एंगल बी कितना हो रहा है 90 डिग्री से ज्यादा है, अगर 90 डिग्री ज्यादा दे रखा तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, क्या सोचना है, आपको मालूम है ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो कौन सा एंगल बन जाएगा, वो ऑब्ट्यूस, कौन ट्राइंगल बन जाएगा, वो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है मुझे ये फाइंड करना था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूस बोलते हैं, समझ में आ गई बात, एंगल समझा दिया मैंने, ट्राइंगल भी समझा दिया, एंगल भी समझा दिया, ट्राइंगल भी समझा दिया, एंगल भी समझा दिया, एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री से बड़ा बनाएगा, समझ में आ गई इतनी बात, चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर हम लोग। क्या बोला हुआ है, द टेबल बिलो शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन न्यूयॉर्क लास्ट ईयर, यूज द इन्फॉर्मेशन इन दिस टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग, स्टूडेंट देखा पढ़ के देखेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट वाज द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू 2 decimal places ऑफ 3 months मे जुलाई एंड सेप्टेम्बर, किसकी बात कर रहा है, मे की, जुलाई की और सेप्टेम्बर की बात कर रहा है, लास्ट ईयर इन द न्यूयॉर्क सिटी मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हमें 2 decimal places तक निकालना है और कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है, तो ये पता है किसकी प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई आपकी एवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुकी है आपकी वाली, तो क्या करना है आपको, एवरेज निकालना है, पर्टिकुलरली किसका निकालना है, किसका निकालना है, मई जुलाई और सेप्टेम्बर है, किसका निकालना है, टेम्परेचर का निकालना है, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, तो क्या करेंगे, मई जुलाई सेप्टेम्बर, क्या लिखा आपने, मई प्लस जुलाई प्लस सेप्टेम्बर, टेम्परेचर निकालना है इसका कितना दे रखा, 1, 2, 3 times का करना, डिवाइड कर देना है, अब मई का टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, मैक्सिमम टेम्परेचर 21 दे रखा है, प्लस जुलाई कितना दे रखा है आपको 29 दे रखा है, और सेप्टेम्बर कितना रखा 24 दे रखा है, टेम्परेचर अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ कर देखो इसको, 29 और 21 कितना हो गया आपका 50 हो गया, 50 24 कितना हो गया 74 हो गया,
74 बाई 3 हो गया, 3 का डिवाइड करके देखेंगे इसके अंदर कितना आ रहा है, 3 टू जा 6 हो गया आपका, 1 बचा, कितना आएगा इसका, 3 4 जा 12 आ रहा है, कितना बचा 2 बचा। अब 2 में करोगे 3 का डिवाइड तो क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ का 0 आ गया तो 3 6 जा 18 और फिर कितना आ जाएगा 3 6 जा 18, तो कितनी बार आया 24.66 इसका आंसर आ गया। अब ये क्या आ रहा है देखिए ध्यान से देखिएगा कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा ये वाला 2.2, कितना जाएगा इसमें 24.66666 एंड सो ऑन आएगा। लेकिन मुझे कहां तक निकालना है, 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो कहां तक निकालना है 2 डेसिमल, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 24.66 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली वे में करना है आपको, एवरेज की प्रॉब्लम थी, कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है माय डियर, सिंपल वे में इसको अपने सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, इन द मॉर्निंग द टेम्परेचर वाज -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट डिक्रीज 3 डिग्री बाय द इवनिंग, व्हाट वाज द टेम्परेचर इन द इवनिंग। क्या बोला हुआ इसने कि देखिए टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ये मेरा 0 है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब कितना बढ़ेगा 10 बढ़ गया, 20 बढ़ा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो वैसे क्या होगा गर्मी बढ़ती चली जाएगी। अब 0 मेरा फिक्स पॉइंट है, अब 0 तक क्या आते आते ठंड स्टार्ट हो जाती है, फिर क्या होता है और ठंड बढ़ जाती है, कितना है -10 गया, फिर कितना गया माइनस, कितना जाएगा -20 जाएगा, और फिर कितना जाएगा -30 जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहां जाएगा ऊपर जाएगा, और घटेगा तो कहां जाएगा नीचे जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहां जाएगा ऊपर जाएगा और घटेगा तो नीचे जाएगा, तो कहां पे जाना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है उसने, कितना दे रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो हो ही रहा है, कितना हो रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसने क्या बोला हुआ है इट डिक्रीज 3 डिग्री बाय द इवनिंग, कितना बोला है 3 डिग्री बाय द इवनिंग बोला हुआ है। अब 3 डिग्री इवनिंग हो रहा होगा, देखिए इट डिक्रीज 3 डिग्री बाय द इवनिंग, अगर टेम्परेचर 3 डिग्री कम हो रहा होगा, टेम्परेचर 3 डिग्री कम है मतलब सर क्या कह रहा है कोई टेम्परेचर डिग्री करेगा तो कितना हो जाएगा घटेगा ना साहब, तो घटेगा कितना हो जाएगा -10 तो था ही, अब कट के कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा, क्या पहुंच जाएगा यहाँ पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा -13 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मैं डियर, बिल्कुल सिंपल था, अजम्पशन लेने थे आपको, समझना था क्वेश्चन को, यहाँ पे सॉल्व कर देना था। बहुत बच्चे क्या करते हैं -3 लिख के और फिर -10 से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -7 निकल के आ जाएगा, -7 टिक लगा के आ जाते हैं आंसर को, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इट डिक्रीज 3 डिग्री बाय द इवनिंग, इवनिंग में क्या कम हो रहा है, कम का मतलब और कम हो तो कितना होगा -30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 185 मीटर लॉन्ग एंड 220 मीटर वाइड। क्या बोला हुआ है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं इसका क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, और धैर्य नहीं खोएंगे आराम से बनाएंगे। ठीक है एक रेक्टेंगुलर है आपका दे रखा है ये वाला गार्डन दे रखा है, कितना 185 मीटर लॉन्ग दे रखा है और 220 मीटर वाइड दे रखा है, तो देखिए 220 मीटर का है ये दे रखा है मेरा और 185 क्या दे रखा है मीटर लॉन्ग दे रखा है। अब इट हैज टू रोड्स इन सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म विड्थ, अब देखिए सेंटर क्या है मेरा, सेंटर पे ये है, तो एक रोड तो मेरा ये गया और एक रोड मेरा कहां जा रहा है सेंटर से पास हो रहा है यहां पे आ रहा है। ठीक है ये क्या कॉमन एरिया हो जाएगा इसका। अब क्या बोला हुआ है वन पैरेलल टू इट्स लेंथ, वन इज पैरेलल टू इट्स लेंथ, देखिए इसके पैरेलल क्या है ये लाइन जा रही है आपकी, फिर बोला एंड द अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेथ, ब्रेथ ये रहा तो उसके पैरेलल में एक रोड बना दिया, एक इसके पैरेलल रोड है और एक लेंथ के पैरेलल रोड दे रखा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। ठीक है फाइंड द कॉस्ट लेवलिंग द रोड्स एट 125 पर स्क्वायर मीटर, तो देखिए पहले क्या करना है मैंने रोड बनाया इसके पैरेलल जैसा डाटा गिवन था। ठीक है ना अभी क्या डाटा गिवन दे रखा है, डाटा ये इतना गिवन था आपका, और क्या दे रखा है डाटा गिवन में कि जो रोड दे रखा है, जो रोड दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 मीटर, कितना दे रखा है 4 मीटर, तो क्या हो जाएगा देखिए ये भी कितना दे रखा है 4 मीटर दे रखा है आपका और ये कितना दे रखा है ये भी 4 मीटर दे रखा है। ठीक है इतनी बात समझ में आपको आ गई, ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं, हमें रोड का पहले क्या निकालना, रोड का एरिया निकाल लो क्योंकि पूरी एरिया से हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमें रोड को ही लेवलिंग करनी है,
तो रोड निकालें तो कैसे आ जाएगा एरिया, देखेंगे सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। पहले मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, तो इसका एरिया निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये गया पूरा, ये पूरा क्या गया 185, और ये कितना रेखा, फोर्थ रेखा है। तो लेंथ निकालनी है, क्या निकालना है, रोड। रोड कैसे निकालना है, एक रोड तो आपका ये रहा, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रोड कैसे निकाला मैंने, लेंथ वाइज निकाल लीजिएगा, समझाने के लिए खाली बस। बाकी तो आपको मालूम ही, कितना क्या करना होगा इसमें, आपको करना होगा 185 इंटू 4 करना होगा, क्योंकि 185 क्या आपका ये दे रखा है ये वाला, और 4 क्या दे रखी है ये दे रखी है डिस्टेंस, ये 4 दे रखा हो, ये पूरी क्या देगा 185 दे रखे, तो कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आया 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 बन जा 4, और 3 कितना हो जाएगा कैरी हो जाएगा, तो 3 कितना 7 हो जाएगा, कितना आ गया 740 आ गया, 4 5 जा 22 कैरी, 4 5 4 8 जा 32 32 34 3 4 बन जा आगे। अब देखिए एरिया ऑफ आपका रोड जो मैं बनाया वो कैसे बनाया, अब बनाया है आपने कैसा बनाया रोड, ब्रेथ वाइज देखिएगा, ब्रेथ वाइज देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, निकालेंगे उसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए कितने रेखा 220 दे रखा है, अब इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तभी तो एरिया निकलेगा भाई, 220 क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक दे रखा 220, और कोर क्या दे रखा है, ये दे रखा है थिकनेस, अरे समझ गए ना 220 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है बाबा, ये डिस्टेंस 220 देखिए, तुमने रोड कितना होगा, इतनी तो रोड रहा होगा, और चौड़ाई कितनी होगी 4 होगी उसकी, एरिया निकाल लोगे इसके बड़े आराम से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 880 निकल के आ जाएगा। अरे समझ में आ गई बात इसकी, ये भी मीटर स्क्वायर हो गया, ये भी मीटर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टोटल एरिया की बात करें इसकी, तो कितना आ गया टोटल एरिया, टोटल की बात करते हैं तो कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ दो 740 प्लस 880। लेकिन 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 अब आपको एक बात याद रखना है, अगर मैंने यहां से लेवलिंग करना स्टार्ट किया तो लेवल करते करते ये भी तो कंसिडर हो गया मेरा, अरे मैं जो कर रहा हूं समझने की कोशिश करना, अगर मैंने यहां से लेवल किया तो पहले तो ये लेवलिंग हो गया पूरा का पूरा, अब जो सेकंड टाइम में जो लेवलिंग कर रहा हूंगा तो ये तो ऑलरेडी हो चुका ना ये वाला पोर्शन, ये तो दोनों में कॉमन दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन ही तो है ये वाला, तो मतलब इसकी लेवलिंग करते वक्त में मुझको छोड़ना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी लेवल में आ चुका है, अगर जो एक और एक बार बन गया लेवलिंग पे उसको दोबारा लेवल क्यों करेंगे, अरे रोड पर डावर बिछानी है आपको, जब एक बार बिछ गई तो दोबारा बिछाओगे उसके ऊपर, फिर तो उसकी थिकनेस और ऊंचाई और बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, तो मुझे क्या करना, वन टाइम करना, तो मैंने क्या किया यहां से यहां तक लेवलिंग कर दी एक बार में, दूसरी बार में लेवलिंग नहीं की जरूरत पड़ी मुझे, तो जो एरिया सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम में तो क्या होगा, मैंने कंसिडर कर लिया, कंसिडर किसमें हो गया, इसमें हो गया, सेकंड टाइम में क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो कितना छोड़ना पड़ेगा, क्या एरिया दे रखा इसका 4 into 4 4 year, 4 year, तो कितना छोड़ना पड़ेगा मुझे 4 into 4 4 into 4, अब सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ से 4 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 8 8 कितना जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ से 16 आ जाएगा, तो कितना आंसर आ गया यहाँ से 1604, कितना आ गया 1604 आ गया जी, क्या हो गया मीटर स्क्वायर में निकाल लिया हमने एरिया। अब देखते हैं क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग रोड बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है फाइंड द कॉस्ट बोला हुआ है, तो देखिए कितनी कॉस्ट रखी है, एरिया निकल के आ गया टोटल एरिया, एरिया आ गया मेरा टोटल वाला, अब क्या करना है इसी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा 16, देखिए ध्यान से क्या करना पड़ेगा इसको 1604 मल्टीप्लाई कितनी कॉस्ट रखी है 1.25 मीटर स्क्वायर दे रखी है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2005 इसका आंसर आ जाएगा, देखिए ध्यान से ऑप्शन दे रखा है, हाँ रुपीस कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आएगा, ठीक है समझ में आ गया, इतना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं कोई बात नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो उसको भी डील करना हमें आना चाहिए, ठीक है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, छोटी प्रॉब्लम है, वन मिनट में हो जाएगी, 1 decimeter इज इक्वल टू, ये डायमेंशन प्रॉब्लम रखी आपकी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 decimeter क्या होता है आपका, 1 decimeter होता है आपका 1/10 ऑफ मीटर, कितना होता है 1/10 ऑफ मीटर होता है, 1 decimeter किसके बराबर होता है 1/10 meter के बराबर होता है, इस 10 को जो ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर कितनी रखी है, इसकी पावर देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लो, अगर सपोज करिए मैंने कोई भी नंबर लिया, ए नंबर लिया,
अब इस ए नंबर को मैं ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, वन मल्टीप्लाई, यहाँ पे पावर कितनी थी वन, जब ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, ए माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। कोई पावर नीचे जो होती है उसका जस्ट क्या होता है, रिवर्स हो जाती है, तो यहाँ प्लस वन तो ऊपर कैसे हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। और अगर ये होती ए की पावर माइनस वन होती और जब ए को मैं ऊपर लेके आया तो क्या हो जाता, ए मल्टीप्लाई ए की पावर क्या माइनस क्या हो जाती, ऊपर प्लस हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे टेंथ रेखा है नीचे, इसी पावर देखिए बंद रखी है, जब ऊपर जाए तो कितना हो जाएगा, नीचे प्लस ऊपर कितना हो जाएगा, टेन की पावर माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये आंसर आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर दे रखा है, यहाँ पे ये वन की पावर टेन की पावर माइनस वन दे रखा है, ठीक है। टेन की पावर टू, टेन की पावर माइनस वन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टेन की पावर माइनस वन, ये क्या टेन की पावर टू दे रखा है, ये दे रखा है टेन की पावर माइनस टू दे रखा है, और ये दे रखा है टेन की पावर थ्री दे रखा है। अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़े सिंपल वे में देखा तो खाली याद करने वाली चीज है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं है इसके अंदर। अब देखिए क्या बोला है, इन रोमन न्यूमरेशन इफ अ सिंबल इज रेस्पेक्टेड इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। क्या बोला है इसके अंदर, इन रोमन नंबर्स इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स एज इट। अगर सपोज करिए कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, सपोज ये दे रखा 10 10 10 10 तो इसका मल्टीप्लाई करके 30 आता है क्या? अब इसका मतलब क्या होता है, 10 होता है, 10 होता है इसका मतलब, मतलब x का मतलब कितना होता है, 10 होता है, और ये क्या, ये कितना 30 हो, 30 कब आएगा, जब मैं 10 प्लस 10 प्लस 10 करूंगा तभी तो मेरा 30 निकल के आएगा। अरे बोलो हाँ या ना, जब मेरा कोई भी नंबर रिपीट हो रहा हो, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, सिंबल इज रिपीटेड तो कितना 30 आ रहा, कब आ रहा है, जोड़ने पे उनको 30 आ रहा, मल्टीप्लाई करने पे उनको 30 नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको आपने यहां मल्टीप्लाई हो रहा तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10 × 30 हो गया, तो 30 आया क्या, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इसलिए जब कोई नंबर रोमन नंबर रिपीट करते हैं तो उन रोमन नंबर्स को एड करके निकालते हैं, ना कि उनकी डिजिट का मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एडिशन होता है ना कि मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन रोमन नंबर न्यूमरेशन इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम एज इट अकर। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही बात कह रहा है, मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं उसको मेनी टाइम्स में, दिख रहा होगा आपको, मल्टीप्लाई करते हैं एडिशन करते हैं, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल इज। क्या बोला हुआ है, एंगल सबटेंड कर रहा है, किसके अंदर कर रहा है, सेमी सर्कल के अंदर कर रहा है। पहले देखिए सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका, सर्कल होता है। अरे बना के दिखाएं क्या, देखिए ये क्या होता है आपका, सर्कल होता है, ये क्या होता है आपका, सर्किल होता है, ठीक है। और अगर सेमी सर्किल की बात करते हैं, सेमी सर्किल क्या होता है वो देखेंगे आप, सेमी सर्किल की बात करें तो ये कैसा होता है, ध्यान से देखेंगे क्या जरा, नहीं बना, एक बार फिर से देखते हैं, नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा, कोई बात नहीं है। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा आपका, ये सेमी सर्कल बन के आ जाएगा, ठीक है। ये फुल सर्किल है, ये कैसा हो जाएगा आपका, आधा सर्किल हो जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला ये डायमीटर दे रखा है, ये क्या हो रखा है आपका, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कौन दे रखा है, सर्किल दे रखा है डायमीटर। अब क्या बोला हुआ है, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्किल का क्या कर रखा है, डायमीटर किसे सबटेंडेड कर रहा है, एंगल को। तो देखिए ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, इसके कोई भी पॉइंट पर सर्किल के, सर्किल का कोई भी पॉइंट हो वहां सबटेंडेड कर रहा है। देखिए इस वाले पॉइंट से मैंने ये पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहां मिला, इसी को मैंने क्या किया, दूसरे पॉइंट से इसको मिला दिया। अब ये क्या बना एंगल, ये बना 90 डिग्री का एंगल बना। ऑलवेज लिख लीजिएगा, सेमी सर्किल के अंदर उसके दोनों पॉइंट से अगर मैं कोई एक सबटेंडेड एंगल बनाऊंगा इस पूरे सेमी सर्किल के ऊपर,
तो वो कितना एंगल बना रहे होंगे, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। कितना बनाएंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आधा सर्किल होता है वो सेमी सर्किल ही कहलाता है। ठीक, समझ में आया इतनी बात? चलिए इसको मैं अटैप करता हूं उसको। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, ये प्रॉब्लम और अच्छी प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है? अ बिग क्यूब हैज ईच पोर्शन ऑफ 44 सेंटीमीटर। क्यूब कैसा होता है? आपने देखा होगा क्यूब, क्यूब कैसा होता है आपका? क्यूब कुछ इस तरह का होता है। क्यूब ऐसे ही होता है। अ क्यूब हैज ईच पोर्शन 44 सेंटीमीटर, मतलब ईच का मतलब बोले तो ये 44 है आपका, ये 44 है आपका, और ये भी 44 है आपका, ये वाला जो है ये भी 44 है आपका। ठीक है, टिनी क्यूब्स ऑफ 4 सेंटीमीटर पोर्शन। अब देखिए 4 सेंटीमीटर का छोटा सा वो दे रखा है, 4 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? क्यूब दे रखा है, एक टिनी क्यूब दे रखा है। कैसे दे रखा है? टिनी क्यूब दे रखा है, छोटा सा क्यूब दे रखा है, ये छोटा सा क्यूब। इसमें क्या है? ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है। देन हाउ मेनी टिनी क्यूब्स विल बी फॉर्म दैट आर सराउंडेड बाई एट लीस्ट वन क्यूब, एट लीस्ट वन क्यूब टच होना चाहिए उसमें। अब देखिए कैसे कर रहे हैं, वन सर्फ टच होनी चाहिए, दोनों नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या, अगर जैसे कि ये दे रखा 44 दे रखी इसकी लेंथ दे रखी, और छोटे वाले कितने देखिए 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कितने क्यूब आ रहे हैं वन लाइन में, कितने क्यूब्स आ रहे हैं इसके अंदर। देखिए अगर जैसे कि मैं छोटा क्यूब यहां बनाया, तो छोटा क्यूब मेरा यहां बन जाएगा ऐसे करके, दूसरा यहां बन जाएगा, तीसरा यहां बन जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से बनेंगे। तो कितने बनेंगे? तो मैंने क्या किया, ये पूरा 44 दे रखा है, ये मेरा 4 दे रखा है। तो मैंने बोला नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे? टिनी क्यूब बनाना ना हमें। टिनी क्यूब कितना बन जाएगा हमारा? 44 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना बना? 11 बना। लेकिन उसने क्या बोला हुआ है कि सरफेस से टच नहीं हो, कितना बोला है? आर सराउंडेड बाई एटलीस्ट बंस क्यूब, बंस क्यूब से टच होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक ये सरफेस छोड़ दिया मैंने, एक ही वाला सरफेस छोड़ दिया, बाकी क्या कर रहे होंगे? खाली क्यूब से टच कर रहे होंगे आपके। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? x प्लस 2 11। एक सरफेस तो मेरा ये गया, एक सरफेस मेरा ये वाला गया। ठीक है, तो कितना हो गया? x प्लस 2 इक्वल टू 11 हो गया। तो कितना निकल के आया? x इक्वल टू 11 माइनस 2 कितना आ गया? 9 आ गया। इसका कितना आ गया? 9 आ गया। अब 9 कैसे, अब मैंने इसका देखा खाली यहां तक, तो मेरा कितना निकल के आया? 9 निकल के आया। ठीक है, अब ऐसे क्या होगा, इस वाले सरफेस पे देखो तो 9 आएगा, इस वाले सरफेस देखो तो 9 आएगा। तो कितना हो गया? तो मैंने क्या किया, 9 का क्यूब कर दिया। क्या किया? 9 का क्यूब कर दिया। तो 9 का क्यूब कितना आ गया? 729 इसका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा? 729 इसका आंसर आ जाएगा। बेसिकली आप समझने की कोशिश करना, जो मैंने बताया एक बड़ा क्यूब दे रखा है, उसमें छोटे छोटे क्यूब्स आपको फाइंड करने हैं। आपने क्या किया, इसकी लेंथ को लेके चले, लेंथ में आपने 4 का डिवाइड किया तो 11 आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, टिनी क्यूब्स 4 सेंटीमीटर पोर्शन ईच आर कट फ्रॉम दैट, इसमें से काटना है इसमें, देन हाउ मेनी टिनी क्यूब्स विल बी फॉर्म दैट आर सराउंडिंग बाय एट लीस्ट वंस क्यूब। एट लीस्ट क्या बोला है? वंस क्यूब बोल रहा है। तो देखिए कि कॉर्नर पे होगा उसमें क्या होगा, तीनों साइड कंसिडर करेंगे तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें खाली एक सर्फेस वाला क्यूब निकालना है इसके अंदर। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक सर्फेस यहां से एक कॉर्नर छोड़ना पड़ेगा इसका। तो कितने कॉर्नर देखो, 2 कॉर्नर हो गए। तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11 के बराबर हो जाएगा। बेसिकली भाई x, अरे समझो यार, एक इस पे देखा तो कॉर्नर आया ना, एक कॉर्नर आएगा ना इसका, तो मैं दोनों छोड़ दिया उसको, सर्फेस कंसिडर कर रहा हूँ खाली बस में उसके अंदर। तो x प्लस 2 ये छोड़ा 11 के बराबर हो गया। x के लिए कितनी आ गई? 9 आ गई। अब ऐसे इस सर्फेस पे आया, इसके ऊपर आया होगा, इसके बगल में आया होगा, तो कितना होगा? 9 की क्यूब 729 इसका आंसर आ गया। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया, आप निकाल लेंगे, नहीं आया तो क्वेश्चन को रिवाइंड कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दे रखा, अ रेक्टेंगुलर टैंक दे रखा है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है आपकी वो किससे रिलेट कर रही है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम है आपकी, ये प्रॉब्लम है मेंसुरेशन की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है ये? मेंसुरेशन की प्रॉब्लम दे रखी है। एक वाटर का टैंक दे रखा है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। वाज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक बोला हुआ है। हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है आपका,
तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे निकालते हैं आप लोग। यही वाला बबलूंगा फॉर्मूला होता है। और यूनिट पूछे तो यूनिट कितनी होती है इसकी, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, तो कितनी आती है, मीटर क्यूब इसका ये आता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है जिसको आपको यूज करना है क्वेश्चन को निकालते वक्त में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें देखिए डाटा गिवन क्या दे रखा है आपको, डाटा गिवन देखते हैं, डाटा गिवन देखते हैं कितना आ रहा है डाटा। देखिए क्या बोला हुआ है उसने, एक रेक्टेंगुलर टैंक दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर टैंक दे रखा है। इसमें क्या कर रखा है उसने, इसके अंदर उसने पानी भर रखा है। क्या भर रखा है, पानी भर रखा है, ये पानी भर रखा है, ये पानी भर रखा है इसके अंदर, ठीक है। अब उसने बोला हुआ है कि जो पानी भर रखा है इसके अंदर, क्या बोला हुआ है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग बोला हुआ है, 12 सेंटीमीटर वाइड बोला हुआ है, एंड 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट बोली हुई है। तो देखिए ये 2D फिगर है, 3D में होगा आप विड्थ भी देख पाओगे इसके अंदर की, समझ में आया, 2D फिगर है आपका। अब 2D फिगर में हाइट कितनी रखी है, मैं डाटा लिख देता हूँ यहाँ पे, लेंथ रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, लेंथ रखा है आपको 15 सेंटीमीटर लेंथ रखी है, और वाइड कितना बोला हुआ है इसने, ब्रेड्थ रखी है इसकी 12 सेंटीमीटर की, और हाइट रखी है आपको कितनी रखी है इसके अंदर, 8 सेंटीमीटर की हाइट दे रखी। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा ध्यान देंगे ऊपर, वॉल्यूम क्या होता है आपका, मैंने फॉर्मूला लिखाई दिया था आपको, ये वॉल्यूम होता है आपका। क्या करना, सीधा लेंथ 15 दे रखा है, ब्रेथ 12 दे रखी है, और वो कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। ये कितना हो जाएगा देखेंगे जरा, 12 8 जा कितना होता है। अच्छा और सिंपल वे में देखिए, 15 का 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है इसका, 180 आता है। कितना आता है, 180 आता है, इंटू 8 आता है। सिंपल वे में जितना सिंपल आप कर सकते हैं उतना सिंपल करना है, दिमाग अपना खर्च नहीं करना ज्यादा। 0 8 8 64 6 कैरी 8 बन जाए, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। सॉरी सेंटीमीटर में दे रखा तो किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये वाला सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अरे मैंने यहां तब बताया जब ये मीटर में दे रखी हो तो मीटर क्यूब होगा, समझने की बात करते हैं, सेंटीमीटर में देखो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, गलती से ये अप्रोच मत लगा लेना। यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर, यहां इसमें दे रखा है, यूनिट मीटर में दे रखी है, यूनिट इज इन मीटर, किसकी, ये तीनों की, तब जाके मीटर क्यूब आया है। यहां सेंटीमीटर दे रखा तो कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऑप्शन चेक कर लेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है माय डियर। गलती नहीं करनी है, समझ के चलना है क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑप्शन शोज फ्रैक्शन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। वैसे तो क्या करते हैं, आपने देखेंगे ऊपर, ना तो इसमें न्यूमरेटर सेम है ना इसमें डिनोमिनेटर सेम है, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता तो मुझे सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाती। अब इसमें क्या अलग अलग दे रखा है, मुझे निकालना कैसे ये समझ लेते हैं। इस ऑप्शन को लेके बताता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, रहा क्या दे रखा है आपको, ऊपर देखेंगे ध्यान से, कितना दे रखा है, 7/12 दे रखा है, और कितना दे रखा है आपको, 5/8 दे रखा है। जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना आप, सही हो जाएगा क्वेश्चन आपका। 3/4 और कितना दे रखा है, 13/16 दे रखा है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना आपको, बस इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 7 और 12 की डिफरेंस कितना दे रखा है, 5 का डिफरेंस दे रखा है। 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना रखा है, 3 का डिफरेंस दे रखा है। 3 और 4 का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और 13 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए आप ऐसे ही अप्रोच करना, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा और सटीक तरीके से हो जाएगा। अब देखिए कितना आया, 5 आया, 3 आया, 1 आया और 3 आया। इसका क्या करना है आपको, एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 1 × 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब मुझे जो यहाँ पे क्या करना है, मुझे पूरा का पूरा कितना बनाना है, 15 बनाना है। इस जगह पे जो बनाना है 15 बनाना है, यहाँ कितना बनाना है, 15 बनाना है, यहाँ कितना बनाना है, 15 बनाना है, और यहाँ कितना बनाना है, 15 बनाना है, ठीक है। इतनी समझ में आ गई आपके, तो क्या कर देना है इसके अंदर, कब 15 बनेगा इसमें, तो देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पे,
थ्री आ जाएगा, थ्री फाइव या फिफ्टीन, यहाँ कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा, थ्री फाइव या फिफ्टीन हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा फिफ्टीन आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा। अरे समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई इतनी, समझ के नहीं समझ रहे हो, यहाँ थ्री आया, यहाँ फाइव आया, यहाँ फिफ्टीन आया, यहाँ कितना आ गया फाइव आ गया। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, थ्री का मल्टीप्लाई किसमें किया आपने सेवन में, तो कितना आ गया थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, और ये कितना हो गया फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, और कितना फिफ्टीन थ्री जा कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव, और थर्टीन फाइव जा कितना हो जाएगा सिक्सटी फाइव। अब देखिए बड़ी आसानी से मैंने निकाल दिया कि कैसे रखें। अब देखिए एरो साइन देखिए क्या लगा, एरो साइन जी तो क्या लगा हुआ है, सही बात कर रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मतलब ये बड़ा सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो इनके फ्रैक्शंस कैसे होंगे आपस में इसी टर्म में आप निकाल लोगे। तो मुझे मालूम पड़ गया सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है ये वाला है, फिर छोटा कौन सा ये वाला है, फिर छोटा कौन सा ये वाला है, फिर छोटा कौन सा ये वाला है, कैसे निकाला वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आता तो रिवाइंड करो वीडियो को, फिर दोबारा देखो आपकी समझ में तुरंत आ जाएगा। एक बार अगर याद हो गया ये कंसेप्ट तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी होंगे, इतनी फास्ट होंगे और सही होंगे, बजाय इसके देखने के एलसीएम लगाने के, इस तरह से करेंगे आपके आंसर क्विक वे में हो जाएंगे। तो मेरा ऑप्शन क्या है डी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे डियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना कितना हो जाएगा 945.341 1042.792, ये प्लस का देखा वो माइनस का देखा 875.435 और प्लस 31.025। अब देखिए क्या सॉल्व करना है इसको, तो सिंपली सिंपलीफाई करना है, क्या करना है सिंपलीफिकेशन करना है, वहीं से ये प्रॉब्लम आ रही है, खाली बस क्या करना है एडिशन करना है और माइनस करना है, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। देखिए ध्यान से कितना बोला हुआ 945.341, माइनस साइन लगा हुआ कितना आ रहा है 1042.792, और ये क्या दे रखा प्लस दे रखा 875.435 और कितना देखा प्लस 31.025, ये दे रखा है, इसका आंसर आपको निकालना है। क्या नहीं निकाल पाएंगे, प्लस 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 को अलग लिख लो, माइनस को अलग लिख लो, जैसे कि मैंने यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ, आप भी जल्दी से कॉपी पर सॉल्व करो, इसका आंसर मुझे बताना कितना आ रहा है 0.341, कितना आ रहा है 875.435 और कितना 31.025 आ रहा है 31.025। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, वन कैरी गया इस पे, 8 और 2 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे वन कैरी गया 8 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने 5 और 5 10 1 11 आ जाएगा, वन कैरी गया इसके ऊपर, 8 और 4 12 और 3 15 हो जाएगा, वन कैरी गया कितना आ गया 18 आ गया, कितना आ गया 1851 आ गया, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 5 1 11 आ जाएगा, 8 और 7 12 3 15, अब देखते हैं सही कितना आता है। अब क्या करना है इसको माइनस करना है इसमें से, कितना आ जाएगा 1851.801, कितना माइनस करना है इसके अंदर 1042.792, नहीं निकाल पाएंगे इसको, 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा, ये 0 तो बचेगा 770 हो जाएगा पॉइंट, और कितना आएगा 11 में 2 गया तो कितना बचा 9, यहां कितना आएगा 0, अब इसमें तो कोई मतलब बचा ही नहीं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो कितना आ रहा है 809.009, तो कौन सा ऑप्शन चेक कर लीजिएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। सिंपल प्रॉब्लम थी, कोई भी ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है ठीक, बस प्लस वाले को जोड़ दिया और माइनस वाले को माइनस कर दिया मैंने, यहां आप चेक कर लीजिएगा ये आंसर आपके सामने आ गया। सिंप्लीफाई करना था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन निकालना है, कोई ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ऑन टूर ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आर एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आर, द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर इज, सबसे पहले देखेंगे ये क्या पूछ रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका क्वेश्चन कहां से आ रहा है, टाइम स्पीड और कौन से है डिस्टेंस, इससे ये प्रॉब्लम लिया गया है। आपको मालूम है एक फॉर्मूला, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, क्या मालूम है फॉर्मूला क्या होता है आपका, एस को रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड से,
कितना होता है डी बाई टी, डी क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है, यही फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन पूछा क्या गया यहाँ पे, द एवरेज स्पीड पूछी गई है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा सॉल्व करते वक्त में, क्या पूछा इसने एवरेज स्पीड के बारे में पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे हो गया एवरेज स्पीड कैसे होगी आपकी निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या रिपीट कर रहा हूं मैं, इस पर लिख रहा हूं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं रफ कर दूंगा स्पेस की वजह से, नोट कर लेना इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो पहला फर्स्ट हाफ 160 किलोमीटर और सेकंड हाफ कैसे निकाला 160 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, यहां देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, टोटल डिस्टेंस तो आपको मालूम पड़ ही गया, कैसे मालूम पड़ा, चलो इसको अच्छे से करता हूं, इतना आपको मालूम पड़ गया, इसको नोट कर लेना ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से बनाता हूं तो आपको समझ में और ज्यादा आएगा ठीक है। अब देखेंगे आप, बड़े प्यार से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, अच्छा समझ में आएगा आपको ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम, अ मैन ऑन टू ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इस वाले पॉइंट पे बड़ा बड़े प्यार से ये आदमी खड़ा हुआ और चलना स्टार्ट करने वाला है, यहां से चलना स्टार्ट किया ये और यहां से गया, ये डिस्टेंस रखी है आपको 160 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है और इसकी जो स्पीड थी इस वाले पॉइंट पे वो स्पीड कितनी दे रखी है इसकी, वो स्पीड दे रखी है 64 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से इसने 160 किलोमीटर कवर कर लिया। अब क्या कर रहा है, अब अगला 160 किलोमीटर फिर तय कर रहा है, नेक्स्ट 160 किलोमीटर, नेक्स्ट 160 किलोमीटर, अब ये क्या कर रहा है यहां पे आके कितनी स्पीड हो गई आपकी इस वाले पॉइंट से, अब यहां से जो आदमी यही आदमी था यहां आया और फिर यहां चलना किया तो कितना चलना किया इसने, कितने से स्टार्ट किया 80 किलोमीटर पर आवर से, 80 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों आदमी सेम है, ये दोनों आदमी सेम है, गलती मत करना, बस इसने क्या किया गियर शिफ्ट कर दिया, पहले चल रहा था 64 किलोमीटर पर आवर से, फिर बोला अरे पार्टी में जाना लेट हो जाऊंगा तो क्या करा इसने स्पीड को बढ़ा दिया, तो 64 से कितनी स्पीड हो गई उसकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी हो गई। अब मुझे निकालना क्या है, द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 160 और 160, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आगे निकल गई उसकी, टोटल डिस्टेंस आ गई उसकी कितनी, डिस्टेंस आ गई उसकी 320। अब देखिए एक बात जरा, अब टाइम निकालना है भाई, यहां पे क्या दे रखा है, इतनी स्पीड दे रखी है, इतनी डिस्टेंस दे रखी है, टाइम नहीं निकाल पाओगे, टाइम कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, एस इक्वल टू डी बाई टी होता है, ये फर्स्ट वाले के लिए है, कितना निकालना है यहां से, टाइम निकालना, टाइम निकालो तो कितना हो जाएगा टी इक्वल टू डी बाई एस हो जाएगा, डी कितना दे रखा है आपको, डी दे रखा 160 और स्पीड कितनी रखी है 64 दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 80/32 हो जाएगा, 2 से काटा इसको, 2 से इसको काटा और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 टाइम्स जाएगा और ये कितना जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये वाला और काटेंगे तो कितना जाएगा ये 10 टाइम्स आएगा, 4 से 10 टाइम्स गया ये वाला हो कितना जाएगा 4 टाइम्स आएगा और कितना हो जाएगा इसको काटेंगे तो 5/2 निकल के आ जाएगा, टाइम कितना आ गया इक्वल टू आ गया 5/2 आवर्स आ गया, किसका आया फर्स्ट वाले का आया, सेकंड वाले का देखते हैं, सेकंड वाले कितना आ रहा है, सेकंड वाले में निकालोगे क्या, टाइम निकालोगे तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, डिस्टेंस देखिए 160 किलोमीटर और ये कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर हो जाएगा, यहां से करोगे तो कितना आया 8 × 2 = 16 तो कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया इसके अंदर टाइम 2 आवर्स। अरे समझ पाए नहीं समझ पाए, अब क्या करना है आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको मालूम ही है, फॉर्मूला पूछ करो आंसर निकालो, कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 320 दे रखी है,
टोटल टाइम कितना दे रखा है, 2 और 5 बाई 2 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 5 बाई 2 प्लस का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा 320, और कितना हो गया 2 जा 4 और 9 बाई 2, 9 2 ऊपर चला जाएगा। अरे समझ पाए नहीं समझ पाए इसको, और 2 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, यहां से करेंगे तो कितना निकल के आएगा वाला 0469। अब 9 का डिवाइड इसमें करोगे तो 9 सत्ते कितना होता है 63। अरे बाबा यहां देखो 9 से करेगा तो कितने आ जाएगा ये वाला 640, 9 सत्ते 63, कितना बचा 1 बचा, 0 आया, 1 लगाया कितना 9 गया, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 आया, फिर 1 लगाया, फिर 9 आया, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाया, फिर 1 आया, तो कितना आ गया 71.11 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये आंसर निकल के इसका आ गया, आके सॉल्व करो कितना आ जाएगा यहाँ पे 71.11 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने सब आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल में तरीके समझा दिया पूरा क्वेश्चन। अब इसके बाहर कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला इससे पहले मैंने बता ही दिया था, टाइम स्पीड की प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। एवरेज स्पीड आपको हमेशा याद रखनी, कैसे निकलती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे डियर, बड़े प्यार से क्वेश्चन हमने आराम से खत्म कर लिया, अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अब बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग 2272 एज वेल एज 875, दो नंबर दे रखे हैं, ये नंबर दे रखा है और ये नंबर दे रखा है भाई, ये थ्री डिजिट नंबर, भाई थ्री डिजिट का कोई नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, वी गेट द सेम रिमाइंडर, और सेम रिमाइंडर दोनों में बच रहा है। ओहो क्या बात कर रहा है, क्या ये क्वेश्चन दोनों नंबर दे रखे हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं नंबर, ये नंबर और ये नंबर, इसमें तीन डिजिट का कोई नंबर जो डिवाइड हो रहा है तो उसमें क्या सेम रिमाइंडर बच रहा है। द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ एन नंबर, अब जो सम निकल के आएगा मतलब क्या बोल रहा है, जो डिजिट से डिवाइड होगा ना उस डिजिट का सम कितना होगा वो आंसर पूछा होगा। बताइए कैसी मजाक कर रहा है आपसे साथ में, कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या बोला हुआ, डिवाइडिंग 2272 एक नंबर दे रखा है आपको, 2272 नंबर दे रखा है और 875 दे रखा है, कितना दे रखा है 875 दे रखा है आपको। ठीक है, क्या दे रखा है 875 दे रखा है। ओहो कैसी बातें कर रहे हो सर, अरे देखो ये नंबर दे रखा है ना आपको, ये नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, अब इनका एससीएफ तो निकालना है आपको, एससीएफ कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान देंगे इसके अंदर, क्या करना है इसके अंदर, इसमें डिफरेंस निकाल लेना है, जैसे ही आपने डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखेंगे, 12 में से 5 का तो कितना बचा 7 बचा। अरे समझो, अरे नहीं समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, 12 में से 5 का तो कितना बचा 7 बचा, अब यहाँ पे कितना बचा 6 रह जाएगा, और 6 में 16 में 7 गए तो कितना बचेगा 16 में से 7 गए तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब यहाँ कितना हो गया 1 कैरी किया 1 तो कितना हो गया 1108 गए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और कितना बचा 1 बचा तो कितना आ गया 1397 आ गया। इसका फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 127 हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सही आ रहा है हमने जो लिया हुआ है, बाकी आप अपने दिमाग से करिएगा, फैक्टर कर लीजिएगा इसका तो मालूम पड़ जाएगा 127 बाई 11 कितना हो जाएगा, देखेंगे आप 117 जा ये ऐसे कर लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे, कितना आ रहा 397 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें तीन नंबर की डिजिट कौन सी है, देखिए जो ये नंबर है ना उसका 11 का डिवाइड भी इसमें जा रहा होगा, 11 डिवाइड इसमें जा रहा होगा, 127 का डिवाइड इसमें कंप्लीट जा रहा होगा, 127 का इसमें कंप्लीट जा रहा होगा ना। अब पूछा क्या गया है इसमें, थ्री डिजिट नंबर आपसे पूछा गया है, तो थ्री डिजिट नंबर कौन सा दे रखा है इसके अंदर आपको, दे रखा है ये वाला थ्री डिजिट नंबर दे रखा है, थ्री डिजिट नंबर जिससे कि ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है वो कौन सा है आपका 127 दे रखा है। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है इसका कि द सम ऑफ अ डिजिट, मतलब इनका सम निकालना, तो सम कैसे निकलेगा आपका, सम निकलेगा कैसे 1 + 2 + 7 कितना आ गया इसका 10 आंसर इसका आ गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इट टेक्स जूली क्या करती है 1/2 hours टू वॉश, नहाने में 1/2 लगाती है, कॉम हर ईयर अपने बालों को सही करने में कितना लगा रही है वो, पुट ऑन हर क्लोथ्स एंड कितना 1/4 कितना ले रही है 1/4 ले रही है आवर्स टू हैव अ ब्रेकफास्ट। अब देखिए 1/2 आवर किसके लिए ले रही है वो,
नहाने के लिए, गंगा करने के लिए, अपने कपड़ों पहनने के लिए, और 1/4 आवर्स किसके लिए रही है, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए रही है। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक जूलियट टू बी रेडी फॉर स्कूल। अब स्कूल कितनी तैयार, स्कूल पहुंचने, स्कूल के तैयार होने के लिए उसे कितना टोटल टाइम लगा, कैसे निकालेंगे, दोनों टाइम्स को ऐड कर दीजिएगा इसको इसके साथ में। तो देखिए कैसे करना है, सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर 1/2 करना है प्लस 1/4 करना है, टोटल टाइम निकालना है ना आपको, टोटल टाइम निकालना रेडी होने के लिए कितना लगेगा उसको। तो क्या किया इसने, 4 एलसीएम हो गया इसका, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 2, कितना 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इतना टाइम उसको लगेगा रेडी होने में, क्यों के लिए, स्कूल के लिए। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन तो टाइम नहीं लेंगे इस पे, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है, जैसे कि एक क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है आपका, रोमन नंबर से रिलेट कर रहा है, रोमन नंबर से, आपने रोमन नंबर्स पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कितनी जल्दी कर पाते हैं हम इसको। क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स इज इनकरेक्ट, ऐसा इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट दे रखा है। चलिए पहले डिस्कस करते हैं 1 के बारे में। सबसे पहले आपको क्या मालूम है, x को कितना बोलते हैं हम लोग, 10 बोलते हैं, l को कितना बोलते हैं हम लोग, 50 बोलते हैं, c को कितना बोला जाता है हमें, हम बोलते हैं c को 100 बोलते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, ये तो रिप्रेजेंटेटिव तरीका हो गया, और बाकी तो आपको मालूम है, अगर मैं x में 2 ऐड करूंगा 1 3 3, आपको मालूम है कैसे लिखते हैं उसको, उसको लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक नंबर पीछे आएगा तो छोटा हो जाएगा, एक नंबर आगे लगेगा तो बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 7, कितना हो जाएगा ये वाला 7, फिर कितना हो जाएगा 8, फिर कितना होगा 9, और फिर कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव तरीका होता है। अब मैं एक चीज और देख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, और लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मोस्ट ऑफ द केसेस में बस यही सिंबल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, पहला ऑप्शन में लिखा था क्या लिखा हुआ है, देखेंगे ध्यान से, क्यों ऑप्शन दे रखा है, एल एक्स डबल टू। तो देखिए इसमें क्या है, ये नंबर तो आपको मालूम है और ये नंबर भी आपको मालूम है, एल को क्या लिखते हैं 50 लिखते हैं प्लस, और इसको क्या बोलते हैं 12 बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो गया ये 62 हो गया, ये तरीका एकदम सही रहा। ठीक है ना, अब देखते हैं बी ऑप्शन देखते हैं, बी को हमने देखा तो कितना आ गया बी का एक्स सी, और कितना आ गया आई। अब देखिए एक बार याद रखिएगा, मैंने बोला किसी नंबर से पहले अगर मैं 10 लगा दूं, 100 दे रखा सी, 100 दे रखा है, और मैंने इसके पहले 10 लगा दिया, मतलब मैंने क्या किया, सी से पहले मैंने क्या लगा, एक्स लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा 90 हो गया, और 1 को क्या लिख सकते हैं 1 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 1, तो ये भी मेरा क्या हो गया 91 हो गया, ये भी मेरा करेक्ट लिखा हुआ है। अब देखेंगे डी ऑप्शन देख लेते हैं, पहले डी दिखा देता हूं मैं आपको, डी कितना लगा हुआ है एक्स एल 4 लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है एक्स एल और ये 4 लगा हुआ है। अब जैसे मैंने 100 से पहले x लगाया तो मेरा क्या बन गया 90 बन गया, ऐसे मैंने किया क्या l से पहले x लगाया, जैसे मैंने l से पहले x लगाया तो देख क्या हो जाएगा x l से पहले x लगाया तो कितना हो गया ये वाला मेरा 40 आ गया, कितना आ गया 40 आ गया। तो मेरा x l लिखा हुआ तो मतलब इसका मतलब कितना लिखा हुआ है ये 40 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 40 हो गया, और ये कितना हो गया ये वाला कितना है 4 दे रखा, तो प्लस 4 कितना हो गया मेरा 44 हो गया, ये भी मेरा करेक्ट दे रखा है। ठीक है ना, ये मैंने आपको सारे समझा दिए एकदम एक्यूरेट वे में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, एलसी दे रखा है, सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सी ऑप्शन देखेंगे, इसमें क्या लगा हुआ है एलसी लिखा हुआ है। अब देखिए मैंने एल को कितना बोला 50 बोला, और सी को बोला मैंने 100 बोला, एल कितना मेरा 50 दे रखा है और सी मेरा कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अब मुझे एक बात बताइए जरा कि ये कभी इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्यों क्यों नहीं किया जाएगा भाई, एल के आगे थोड़ी 100 लगा दोगे भाई, 1 2 3 4 5 से लगेगा, कैसे लगता है 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। अब
50 के बाद में क्या आएगा, 51 आएगा, 52 आएगा, 100 थोड़ी नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। हम ऐड करते हैं लेकिन उन नंबर्स को ऐड किया जाता है जो कि हमारे ये होते हैं नंबर्स, उनको हम ऐड करके लिखते हैं, या हमारा क्या लिखते हैं, जैसे कि सपोज करिए मैंने लिखा जी कितना हो गया मेरा 10 हो गया, अगर मैंने इसमें एक और लगाया तो मेरा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और 50 का 100 को सेंस नहीं होता, तो मतलब ये मेरा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ? तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा समझ करिएगा, बाकी आपके सभी ऑप्शन सही थे, खाली यही ऑप्शन इनकरेक्ट था, तो एलसी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, आप कमरे में बैठे हुए हैं, अब जब कमरे में बैठे हुए हैं तो क्या करना है आपको, इस कमरे का क्यूबॉइड देखना है, कमरे पे बैठे हुए हैं तो कितनी बॉल दे रखी है इसके अंदर, 4 बॉल दे रखी है, एक ये दीवार दे रखी है, एक ये दीवार है, फिर आपके सामने और आपके पीछे, तो कितनी होगी, 4 दीवार हो गई, एक छत हो गई और एक जमीन हो गई, तो कितने फेस हो गए, टोटल 6 फेस हो गए। इसको तो आपको खाली बस अपने में मेमोराइज करना है और समझना है, आंसर निकाल देना है। तो कितने फेस हो गए इसके, इसके 6 फेसेस हो गए, कितने हो गए, 6 फेस हो गए इसके, समझ में आया बात को। आप कमरे में बैठे हुए हैं, 1 बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल, कितनी हो गई, 4 बॉल हो गई, 1 रूफ हो गया और क्या हो गया, 1 फ्लोर हो गया, तो कितने हो गए टोटल, 6 फेसेस हो गए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंड करना, बाकी कुछ भी नहीं करना, सॉल्व नहीं करना इस प्रॉब्लम को, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड अ प्लेन। देखिए प्लेन क्या होता है, सरफेस होती है प्लेन, अब उसमें क्या होता है आपका, सरफेस विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन, तो मतलब क्या है, ऑल डायरेक्शन में प्लेन आपका बढ़ सकता है। आपने मैदान देखा है, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, सामने भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, प्लेन ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही लाइन में जाना पड़ेगा आपको, लाइन में एक ही लाइन में जाना पड़ेगा, पॉइंट वहीं की भी रुक जाएगा, तो कौन सा, प्लेन ही तो बचा जो कि हम उसको सरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। फ्लैट सरफेस कौन सा होता है, प्लेन होता है, ठीक है। और देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 10 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ द एंगल्स। तो ध्यान रखेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पहले समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे दो एंगल जिनका दोनों का समेशन कितना होना चाहिए, उनका समेशन 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे दो एंगल जिनका क्या होना चाहिए, ए और बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री इसका होना चाहिए, ओके माय डियर। अब देखते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बोथ द एंगल्स बोलते हैं, और इसमें क्या बोला हुआ है, ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखते हैं, डाटा गिवन क्या दे रखा है, डाटा गिवन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसके अंदर। क्या बोला हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री, ये आपको बोला हुआ है, तो मतलब ए माइनस कितना हो जाएगा, बी कितना हो गया आपका, 10 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक इक्वेशन तो आपकी ये रही और एक इक्वेशन कौन सी आपकी ये रही, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी कितना, 90 डिग्री, और ए माइनस बी कितना हो जाएगा आपका, 10 डिग्री हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ही आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 50 डिग्री आ गई। और इसकी वैल्यू को उठा के मैंने वन में पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू उठा के वन में पुट कर दूंगा, तो बी कितना आ जाएगा मेरा, बी आ जाएगा मेरा 40 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए आंसर कितना आ गया मेरा, 50 एंड 40, कौन सा आ गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए ये तो हो गया कन्वेंशनल मेथड हो गया जिससे मैंने ये सॉल्व किया, अब इसको ट्रिक से देख लेते हैं, ट्रिक कैसे देखते हैं वो ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसको मैं रफ कर देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको मालूम पड़ गया ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि थोड़ी मैंने बताया आपको, क्या बताया था कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 हो रहा है क्या, इन दोनों को जोड़ा तो 5 इसमें गया तो 64, कितना गया, 100 हो गया,
ये कितना हो रहा 110 हो गया, ये कितना हो गया 190 हो गया, तो ये कितना आपका 90 डिग्री ये वाला बनना, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे, जिसमें एक क्या 40 और कितना है 50 है। अरे इसका सम करोगे तो कितना हो रहा है बाबा यार 100 हो रहा है, इससे कितना हो रहा है 110 हो रहा है, इससे कितना हो रहा है 190 हो रहा है। और प्रॉपर्टी क्या कहती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, कि दो एंगल का सम कितना 90 डिग्री होना चाहिए, तो बचा कौन सा, ये तो 90 डिग्री बचा, दोनों का समेशन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। टोटल वेट ऑफ ब्रिंजल लेडी फिंगर एंड ऑनियन इज 48.057। क्या बोला हुआ है, देखिए ब्रिंजल लेडी फिंगर एंड ऑनियन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ब्रिंजल प्लस लेडी फिंगर प्लस ऑनियन कितना दे रखा है इसका सम 48.05 केजी दे रखा है। ठीक है, और ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर का वेट कितना दे रखा है, अब ब्रिंजल का अलग दे रखा है, ब्रिंजल का अलग दे रखा है, कितना दे रखा है ब्रिंजल का 5.35 दे रखा है, और लेडी फिंगर कितना दे रखा है, लेडी फिंगर का दे रखा है कितना देगा, लेडी फिंगर का बोलेंगे फटाफट जल्दी से, ये दे रखा हमको 24.52 केजी दे रखा है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वेट ऑफ द ओनियन पूछा हुआ है, इतना डाटा आपको गिवन दे रखा है, इतना डाटा आपको गिवन दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करने का वाला काम है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहां पे क्या दे रखा है, ब्रिंजल लेडी फिंगर ओनियन टोटल मिला के इतना दे रखा है, ब्रिंजल का इतना दे रखा है और लेडी फिंगर का इतना वेट दे रखा है, ब्रिंजल का इसमें पुट कर दो, लेडी फिंगर का इसमें पुट कर दो, फिर देखो कितना आंसर आता है। तो देखिए मैं इस यहां पुट करूंगा इसको और इसको पुट करूंगा, यहां पर देखिए कितना आंसर आएगा, ध्यान से देखेंगे जरा कितना दे रखा है 5.35 प्लस कितना आ रहा 24.52 किसका निकालना है, ओनियन का निकालना, टोटल कितना दे रखा है इसका, टोटल दे रखा 48.057 दे रखा है, इन दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा, दोनों को ऐड करके यहां देखते हैं, दोनों को पॉइंट वाला आप ऐड करके देख लिया करो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पॉइंट यहां लग जाएगा। अब ये कितना आ गया 29.87 आ गया, प्लस ओनियन, ओनियन लिखा हुआ, ये ओनियन लिख लेना इसको, जीरो मत मान लेना, और 48.057 दे रखा है। ठीक है, अब ओनियन की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे, इसको उधर लेकर माइनस कर दोगे, तो ओनियन का कितना आ गया, ओनियन का कितना आ जाएगा 48.057 माइनस 29.87। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे, करके देखेंगे, 48.057 कितना हो जाएगा 29.87, ये 7 यहां गया, 15 में से 7 का तो कितना बचा, 2 बचा है, कितना होगा 57 का तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, या 9 बचा, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1.17, में से 9 गया तो कितना बचा 17, में से अगर मैं 9 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, और 3 में 2 गया तो कितना बचा 1 बचा, तो कितना आंसर आ रहा है इसका 18.187 केजी इसका आंसर आ रहा है। क्या आपका आ गया, कितना आ रहा है 18.187 इज करेक्ट आंसर इसका हो गया। ठीक है माय डियर, इसका आपका आंसर ये रहा, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, सिर्फ आपको क्वेश्चन का अजम्पशन देखना है, तीनों का सम देखा था इतना, दोनों की वैल्यूज रखी थी, ओनियन पूछा था, कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन ये था, कैलकुलेशन मैंने कर दिया है, ओएन का मतलब ओनियन है, यहाँ पे भी ओनियन है और मैंने ओनियन निकाला, वेट निकाल दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड प्रॉब्लम आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के जो 2021 में 12 पूछे गए थे, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और अच्छे से क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मेरे को बता दिए हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती है तो आपको यही अप्रोच रखनी है, जिससे कि आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड, फिर अगले और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा प्रीवियस ईयर के, जो कि आपके 2020 में पूछे गए या फिर 22 में पूछे गए, वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के, और फॉर
विद मोस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में करेंगे, मतलब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा जिससे कि आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।